हेलो बच्चों माई सेल्फ एम ए सर मोहित अग्रवाल सर अपने लास्ट टर्न पे लेक्चर नंबर फोर तक अपन ने डिफ्रेंशिएशन का पार्ट वन देख लिया था उसमें बच्चों अपने उससे पहले इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ ही लिया था आपको लग गया होगा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन में फॉर्मूले हैं फिर प्रॉपर्टी है फिर क्वेश्चन है ठीक है थेके? थोड़ा सा डिफरेंशिएशन हमें ज़्यादा पढ़ना होता है मतलब ज़्यादा चीज़ें होती है उसमें यू इन टू वी यू अपॉन वी होता वो इंटीग्रेशन में भी है लेकिन हमारे इतना यूज नहीं आता है, है ना बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हमारे पढ़ना नहीं होता इसलिए मैंने तुम्हें वो बता ही नहीं अगर आप जेई के बच्चे होते तो जरूर बताता जेई वालों को मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा सा वो ठीक है अब अपने, अपने लास्ट टाइम पे पढ़ लिया इसमें और भी चीजें होती है तो आज अपन लेक्चर नंबर फाइव जो कि डिफरेंशिएशन का पार्ट टू और अगर समय मिला तो अपन थोड़ी सी एल भी स्टार्ट कर देंगे आगे तो इसमें अपन बच्चों देखेंगे कि हमें और क्या पढ़ना है डिफरेंशिएशन में तो डिफरेंशिएशन में बच्चों अब अगला है अपना चेन रूल याद है लास्ट मैंने तुम्हारे को क्लास में जो होमवर्क दिया था उसमें बच्चों से काफी हो थे, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए थे उनका एक टेस्ट लूंगा क्लास टेस्ट बेटा जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे खुद लड़ने की क्षमता नहीं लाओगे तब तक सेलेक्ट होने के चांस बढ़ेंगे नहीं बेटा है ना अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन

उस होमवर्क में से हमारे से ये चीजें तो मैंने आपको हिंट दे दिया था बेटा देख फालतू की चीजें मेरे से पूछना मत ये आपको पढ़ा दिया इन सबको सेपरेट कर लोगे है ना कांस्टेंट बाहर ले लोगे और फिर डिफरेंशिएट कर दोगे सब में फॉर्मुले लग जाएंगे एक बार रिवाइज कराता हूं एक्स टू दी पावर एन जैसे एक्स स्क्वायर पावर आगे जाएगी पावर एक्स से कम साइन एक्स कोस एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स लोग एक्स का वन बाई एक्स एल एक्स का वन बाई एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो इसका जीरो कर लोगे अच्छा फिर पावर में अंट सेंट इकट्ठा इकट्ठे हो जाते हैं तो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता था यहां पे भी देखो, तो एकस, का जीरो है। का कर लेंगे सर लेकिन यहां पे एट एक्स बराबर वन तो वैल्यू रख देंगे सब बता दिया लास्ट पे यू इन टू वी यू इन टू वी यू अपोन वी यू अपोन वी सर मच्छर थे चेन रूल अपन ने छोड़ा था ये देखो अब यहां पे क्या होता है चेन रूल में किसी फंक्शन का किसी के रेस्पेक्ट में करना पड़ता है लेकिन वो फंक्शन किसी और पर डिपेंड करता है फिर कोई और किसी और पर डिपेंड करता है ये थोड़ा सा भारी तो अब अपन आज चेन रूल सीखते ताकि हमारे जो भी क्वेश्चन रह गए थे है ना उनको अपन कंप्लीट कर पाए तो इन दो स्लाइडों में हमारे दो तो वो तीसरा ये और चौथा ये चार क्वेश्चन अपने रह गए थे उसमें से ये नीट दो हजार दस और नौ दोनों में कन्जीक्यूटिव दो सक्सेसिव ईयर में नीट में आया हुआ है तो हमारे चार पांच क्वेश्चन जो चेन रूल से रिलेटेड बचे थे तो अपन क्यों ना सबसे पहले चेन रूल सीख ले तो आ जाओ ये तुम्हारे लिए स्लाइड छोड़िए मैंने यहां पे लिख रहा हूं मैं चेन रूल ठीक है तो आज अपन एक नई बात सीख रहे हैं चेन रूल ठीक है तो बिल्कुल बेसिक से इसको चेन रूल को सीखेंगे दो तरीकों से सीखेंगे क्योंकि मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसमें चेन रूल अगर दो तरीकों से बच्चे को नहीं आता है तो उसकी या तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और मिस्टेक हो जाएगी और या फिर क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा क्वेश्चन ही नहीं कर पाएगा ठीक है सर इससे पहले क्या सीख लिया सारे फॉर्मूले सीख लिए सारी प्रॉपर्टी सीख ली सेपरेट कर सकते हैं बाहर ले सकते हैं और अगर कुछ अटाला हो तो उस अटाले का डिवाइड इंटीग्रेशन में करते थे या मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्स्टेंट का जीरो होता है एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन होता है ठीक है सर चलो चेन रूल अच्छा यू इंटू वी यू ओपन भी सीख लिया चेन रूल में देखो बेटा जैसे मैंने आपको बोला जैसे एक्सर एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन ठीक है तो आपने बड़ा आराम से बोल दिया था वन बाई एक्स ठीक है अंदर एलन एक्स था और उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था लेकिन अगर यहां एक्स स्क्वायर होता बच्चों तो फिर वो बात फिर फिर अलग चीज होती कुछ क्योंकि अब एलन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है मुझे क्या आता है मुझे एल एन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आता है जो फॉर्मूला मैंने याद किया वो ठीक है सर लेकिन बच्चों तुम्हारे को जान के एक बड़ी बात यहां पे स्क्वायर का करना है विध रेस्पेक्ट टू स्क्वायर अगर आपको यहां एलन एक्स स्क्वायर करना होता तो क्या मैं बोलता हूं बच्चों से वही तो चीज हो गई इसके इसका इसके रेस्पेक्ट में करना है तो एलन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर के रेस्पेक्ट में करना है हेलो तो इट अंदर वाली चीज विल बिहेव लाइक सिंगल चीज नहीं समझा ये देखो भैया डी बाई डी एक्स जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो अंदर होना चाहिए हेलो जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो अंदर होना चाहिए तो वो वन अपॉन अंदर वाला ठीक है ठीक है ना वन अपॉन अंदर वाला वन अपॉन अंदर वाली चीज तो यहां पे वन बाई एक्स आ जाएगा लेकिन अगर अंदर हाथी बिठा दू मैं हेलो क्या बिठा दू अंदर हाथी एलिफेंट ठीक है और विथ रेस्पेक्ट टू तो एलिफेंट ही करना हो हेलो तो लोग एलिफेंट विथ रेस्पेक्ट टू तो एलिफेंट तो वन अपॉन एलिफेंट आएगा समझ में आ गई वो बात एक्स की नहीं है कुछ भी हो जो अंदर है उसके रेस्पेक्ट में करना तो वन बाई जेड आएगा जैसे यहां देखो ये यह देखो डी देख। बाई इधर देख डी लो एल एनजेड डी एल एनजेड बाई डी जेड तो ये क्या है एलन जेड का विथ रेस्पेक्ट टू जेड तो वन बाई जेड आएगा सो बात की एक बात जो के अंदर है उसी के रेस्पेक्ट में करोगे तो वन अपॉन वो जो अंदर ठीक है, है तो ये देखो ना ठीक है बेटा डी बाई एल एक्स स्क्वायर विध रेस्पेक्ट टू डी एक्स स्क् धीरे धीरे दिर आ जाएंगे अपन उसमें इज इक्वल टू कितना होगा अब आपको कोई चेन रूल एन रूल नहीं वो जो अंदर है उसी के रेस्पेक्ट में करना वन तो अपॉन अंदर वाली चीज एक्स स्क्वायर यहां कोई चेन नहीं क्योंकि जो लोग के अंदर है एलन के अंदर है उसी के रेस्पेक्ट में करना है तो वन अपॉन अंदर वाला ठीक है सर अच्छा इसका बताओ डी बाय डी एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब कोई दिक्कत नहीं है यहां पे देखो साइन जैसे साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में रेस्पेक्ट में आप इसका कर रहे हो इधर देखो डी साइन जेड साइन जेड का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू जेड तब तो आप यही बोलोगे ना कोस जेड हेलो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं साइन के अंदर वही होता है तो कॉस जेड आया आनंद वे आर जेड बराबर अभी इस पूरे में कर दो वे आर जेड बराबर वे आर जेड बराबर रूल नहीं है ये तो सिंपल जो हमने पर अलग स्टाइल से आ रहे हमने पढ़ा था साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो वो होता है और विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब करना है तो उस एक्स क्यूब को जेड मान लो तो ये बन गया ना साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में क्योंकि नीचे भी तो एक्स क्यूब था तो साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में देट वुड बी कोस जेड फिर लास्ट में जेड की वैल्यू एक्स क्यूब रख दो हेलो तो बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया तो बेटा साइन के अंदर कोस के अंदर लोग के अंदर और पहले एक्स की पावर एन पड़ी थी वहां पे कोई एक अलग चीज आ गई और उसकी पावर एन है और जो अंदर है उसी के रेस्पेक्ट में करना है तो x की पावर एन प्लस वन सॉरी n x की पावर n माइनस वन तो यहां पे भी जो पावर है वो आगे आ जाएगी एक से कम हो जाएगी और अंदर वाली चीज वैसी ना तो आप तो समझ लो कोई नई चीज आ जाए तो उसको झेड मान लो और ऊपर नीचे दोनों जगह हो गया तो ये बन गया तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको इसका करना जैसे ठीक है तो जैसे ये तो हो गया फर्स्ट तो ये डायरेक्ट लिख दिया सेकेंड आपको समझ लानी है तो लेट्स एज्यूम ये इज इक्वल टू वर्ड पूछा तो बोल दो बच्चो लेट्स एज्यूम मैं तुम्हारे चेन रूल तक पहुंचा रहा हूं है ना तो यहां पे देखो इससे कर लेता हूं एग्जांपल था इसी से कर लेता हूं देखो यहाँ लिखो सोल्यूशन तो लेट्स की जगह रख रहा हूं और जैसे ही आपने एक्स क्यूब की जगह जेड रख दिया तो ये आ जाएगा साइन जेड uh, का रिस्पेक्ट टू जेड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन जेड विद रिस्पेक्ट टू जेड कोस जेड होता है और जेड की वैल्यू एक्स क्यूब रख दो खत्म यहां चेन नहीं लगा लेकिन क्या होगा अच्छा एक क्वेश्चन और करो ऐसा ठीक है और करके बता मेरे को मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है करके बता हाँ एक और करके बता ये करके बताना ये आपके लिए है ना लास्ट टर्न तक तो कितने तो क्वेश्चन हो गए थे ये फोर्टीन तक हो गए थे ना फिफ्टीन वो तो टेस्ट था फोर्टीन तक है ना उससे पहले चलो जो भी हो गया मैं ट्वेंटी वन नंबर डाल रहा हूं ये देखो ट्वेंटी वन नंबर डाल रहा हूं जो भी हो गया तो देख लेना मैंने बोला आपको डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर साइन एक्स देखना विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स बच्चे अननेसेसरी डर जाते हैं, sin X. E की पावर साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स इज इक्वल टू बोट

समझ ले तेरे लिए क्वेश्चन ये था e की पावर z का z के रेस्पेक्ट में तो e की पावर जो होती है उसके रेस्पेक्ट में करता e की पावर x का e की पावर x ही रहता था तो 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 e e की की e की पावर पावर z z z का ही रहेगा तो ये आ आ गया आंसर अब वैल्यू sin x रख दो समझ में गई तो कई बार क्या होता है वो एक्स की जगह कुछ और कर देता है और उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा देता है तो उसको झेड मान लो लोलो सर मजा आ गया तो e की तो सर हमें तो बहुत भारी लग रहा था क्वेश्चन लेकिन ये भारी है नहीं तो बेटा तुम्हारे डरने से थोड़ी क्वेश्चन भारी हो जाएगा उसको समझो चीजों को तो यहां पे क्या करो उसने साइन जेड का ई e की पावर साइन जेड कर दिया और विध रेस्पेक्ट टू साइन जेडी कर दिया तो विध रेस्पेक्ट टू जिसका करना है अगर वही है तो ई e की पावर एक्स का की पावर यानी कि की पावर साइन एक्स का ई की पावर साइन एक्स तो सर फिर चेन रूल कब बताता हूं अब देखो अब आगे देखो अब अंतर क्या आएगा वो देखना हो इस क्वेश्चन को देखना अगले को ये देखो अब अगला क्वेश्चन देखना बेटा समझना एग्जाम्पल नंबर 22 टू मान लो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डी बाई डी अब देखो उस्ताद है डिफरेंशिएशन तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है लेकिन यहां पे दे दिया ई e की पावर एक्स क्यूब हेलो अगर अगले ने नीचे भी एक्स क्यूब दिया होता ई e की पावर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करना होता ई e की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही करना होता e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x क्यूब भी करना होता तो e की पावर x क्यूब भी आता क्योंकि मैं x क्यूब को जेड मान लेता हेलो अगर यहां पर x क्यूब होता तो मैं क्या करता तो क्या करता तो x क्यूब को जेड मानता हेलो तो x क्यूब बराबर जेड रखता हेलो और फिर यहां क्या आ जाता d बाई डी जेड ऑफ e की पावर जेड और फिर क्या आ जाता e की पावर z और फिर क्या रखता e की पावर z की जगह वापस क्यूब तो e की पावर एक्स क्यूब का विथ रेस्पेक्ट टू तो e की पावर एक्स क्यूब ही होता क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वही ई e की पावर है लेकिन अभी पिक्चर थोड़ी चेंज है दोस्त ये तो करा दिया मैंने तेरे को है ना तो ये तो करा दिया मैंने अभी पिक्चर में थोड़ा ट्विस्ट है सर क्या ट्विस्ट है बता दो ये आज वो कह रहा है मेरे को तो e की पावर x क्यूब का करना है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो क्या करेंगे बताता हूं सर हवन करेंगे हवन करेंगे ए हवन करेंगे इधर देख तो इधर देख अब क्या करना है बच्चों तो ध्यान देना इधर सुनना क्या मैं बोल दूं मुझे करना तो e की पावर x क्यूब का है लेकिन x क्यूब के नहीं किसी और के रिस्पेक्ट में हेलो ठीक है सर तो अब अपने काम करते हैं तो मैं बोल इस किसी ये, ये जो पावर है ये बड़ी अजीब आई इसको जेड मान लेता हूं हेलो ठीक है सर लेकिन सर फिर यहां पे तो एक्स है कोई बात नहीं मैं काम करता हूं कि देखो देखो एज्यूम एक्स क्यूब एक इक्वल टू जेड ठीक है हेलो एंड एंड डिफ्रेंशिएट ठीक है देखो तो यहां पे आ जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा इधर देखना हो ये एंड एंड वाई बराबर ई e की पावर एक्स क्यूब ठीक है ई e की पावर एक्स क्यूब को वाई मान लो और उस एक्स क्यूब को जेड मान लो ठीक है इसको पहले लिख दो लेट्स एज्यूम ई की पावर एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई थोड़ा तसल्ली रख एंड एंड एक्स क्यू बराबर जेड ठीक है एक्स क्यू बराबर जेड इसको वाई मान लो और एक्स क्यूब को जेड मान लो ठीक है सर तो मैं बोल तो ये क्या बन गया बच्चों डी ऑफ डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ठीक है और वो वाई क्या तो आप देखो और वाई खुद क्या है वाई खुद जेड का फंक्शन है वाई खुद जेड का फंक्शन है ठीक है ना एक्स क्यूब बराबर जेड जेड ठीक है ना इसको जेड लिख दो ये ई की पावर जेड और ये ई की पावर जेड और वेयर जेड इक्वल टू एंड वेयर जेड इक्वल टू यू कर दो एंड वेयर जेड इक्वल टू एक्स क्यूब ठीक है कोई समस्या ठीक है सर कोई समस्या नहीं है तो देखो ये वाई तो अब मैं इसको ये लिख दू क्या आप वाई की जगह ये देखो तो पहले कर दो आप क्योंकि वाई देखो क्योंकि वाई में जेड आ रहा है क्योंकि वाई जेड का फंक्शन है और जेड एक्स का फंक्शन है मुझे वाई का डिफरेंशिएशन करना एक्स के रेस्पेक्ट में मुझे वाई का डिफरेंशिएशन देखो ना अल्टीमेटली ये वाई बन गया ना मुझे वाई का डिफरेंशिएशन करना है मुझे वाई का डिफरेंशिएशन ये वाई है तो मुझे वाई का डिफरेंशिएशन सॉरी 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 मुझे वाई का डिफरेंशिएशन मुझे वाई का डिफरेंशिएशन करना एक्स के रेस्पेक्ट में लेकिन वाई जेड की टर्म्स में लिख दिया मैंने क्योंकि एक्स क्यूब को जेड मान लिया तो मैं एक्स क्यूब को जेड मान रहा हूं और इसको अंदर वाले ई e की पावर जेड को वाई मान रहा हूं तो मुझे वाई का करना एक्स के रेस्पेक्ट में लेकिन वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है तो इसको ही लिख सकता हूं मैं पहले वाई का कर दू जेड के रेस्पेक्ट में क्योंकि वाई तो जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा क्योंकि वाई तो जेड का फंक्शन है हेलो मैंने एक्स क्यूब को मान लिया जेड तो अंदर बन गया ई e की पावर जेड अब मुझे डिफरेंशिएशन तो करना है ई e की पावर जेड का और करना एक्स के रेस्पेक्ट में है तो e की पावर z का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो डायरेक्ट होगा नहीं तो मैं पहले कर दूंगा y z के रेस्पेक्ट में क्योंकि e की पावर z का z के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा e की पावर z फिर z का कर दूंगा x के रेस्पेक्ट में क्योंकि अल्टीमेटली मुझे x लाना है तो ये देखो तो मैं लिख दूं ये y इस e की पावर z को y मान लिया तो मुझे यूं लिख यूं लिख d dx of e की पावर x इज इक्वल टू मैंने इसको माना देखो e d dx of e की पावर z पहले एक्स क्यूब की जगह जेड लिख दिया ठीक है इज इक्वल टू यानी कि की पावर जेड को वाई लिख दू तो वाई का करना है मेरे को एक्स के रेस्पेक्ट में तो मुझे डिफरेंशियन करना है वाई का और करना है टू तो X. तो मैं बोल दू बेटा मेरा y तो Z का फंक्शन है और जेड एक्स का तो वाई जेड पे डिपेंड करता है और जेड एक्स पे और मुझे वाई और एक्स का डिफरें वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो मैं इसको लिख दूं इधर देखो तो इसको यस वी कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स पहले का के रेस्पेक्ट में कर दू हेलो क्योंकि वाई में में आ रहा था, वाई का के रेस्पेक्ट में कर इन टू फिर वापिस जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दो तो आ जाएगा डी जे, जेड करके डी डी वाई वाई डी एक्स यानी कि वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये है चेन रूल अगर आपको करना किसी का डिफरेंशिएशन है और किसी और के रेस्पेक्ट में और उस 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 जिसका करना है उसमें कुछ और चीज आ रही है तो पहले जिसका करना है उसमें जो कुछ और चीज आ रही है तो पहले जिसका करना है कुछ, कुछ और चीज के रेस्पेक्ट में कर लो फिर उस कुछ और चीज को जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में चाहिए तो एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो ठीक है अब देखो आंसर क्या आ जाएगा तो यहां मैं बोल दो बच्चों वाई का कर दो जेड के रेस्पेक्ट में तो यहां से डी वाई बाई डी जेड कितना जाएगा अभी धीरे धीरे समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा सा ये नई चीज है तो डी वाई तो वाई का जेड के रेस्पेक्ट में e की पावर जेड ही आ जाएगा हेलो e की पावर जेड का e की पावर जेड ही आएगा ना यूं लिख ये पावर जेड बाई डी जेड इज इक्वल टू की पावर जेड e अब कर दो का एक्स के रेस्पेक्ट में डीजेड बाई डी का एक्स के रेस्पेक्ट में तो मैं बोल दू का एक्स के रेस्पेक्ट में थ्री एक्स ये चेन रूल तो पहले हुआ का के रेस्पेक्ट में वो ई की पावर जेड ही आ गया और फिर हुआ बच्चों का एक्स के रेस्पेक्ट में वो आ गया थ्री एक्स स्क्वा और यहां पे जेड की वैल्यू रख दो, जेड, जेड, बेटा अभी आएगा समझ में जेड बराबर एक्स क्यूब क्योंकि हमारे को तो फाइनली एक्स ही है, तो ई की पावर एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर हेलो ई की पावर एक्स क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर अगर इसका एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में करना होता तो ई e की पावर एक्स क्यूब भी आ जाता क्योंकि सेम जिसका ई e की पावर में जो है उसी के रेस्पेक्ट में करना लेकिन यह ई e की पावर में कुछ और ही अजीब सी चीज आ गई एक्स क्यूब और करना एक्स के रेस्पेक्ट में तो उस अजीब सी चीज को जेड माना पूरे को वाई माना वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करना तो पहले वाई का जेड के रेस्पेक्ट में फिर जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में तो डी जेड से डी जेट कट जाएगा दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ नहीं आया एक बार और समझाओ इधर देख अगला क्वेश्चन क्योंकि इसमें अब आप हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं चेन रूल फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री इधर देख मुझे डिफरेंशिएशन करना है बच्चे sin का आई हैव टू डिफरेंशिएट साइन एक्स नॉट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है एक्स स्क्टेड मानता तो साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में हो जाता क्योंकि दोनों जगह एक्स स्क्ता तो साइन जेड का जेड के रेस्पेक्ट में जाता एक्स जाता जो मैं अगर मुझे क्योंकि ऊपर भी जेड नीचे भी जेड आ जाता क्योंकि नीचे भी एक्स स्क्वायर था साइन जेड विथ रेस्पेक्ट टू जेड कोस जेड बन जाता और जेड की जगह लेकिन आज पिक्चर अलग है साइन एक्स स्क्वायर मतलब साइन किसी अजीब साइन के अंदर कोई अलग चीज है उसका किसी और चीज के रेस्पेक्ट में करना डिफ़रेंशिएशन तो मैं इस किस किसी अजीब सी चीज को जेड मान लेता हूं तो इंट्रोड्यूस हो गई तो ये हो जाएगा नहीं तो पहले साइन जेड का जेड़ के रेस्पेक्ट में करूंगा फिर जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में कर दूंगा क्योंकि माना है ठीक है जाओ चलो इधर देखो सोल्यूशन मैं एक्स स्क्वायर को जेड मान रहा हूं एंड साइन एक्स स्क्वायर को वाई साइन एक्स स्क्वायर को इजिकल टू वाई दिस एम्प्लाइज यास अब वाई क्या बन गया स्क्वायर को जेड माना तो यहां से हेंस वाई बराबर बन गया साइन जेड हेलो

और यहां यहाँ देखो और ये आ जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा तो वाई टू एक्स रखो यहाँ यहां आ जाएगा डी वाई डीजेड इज कोसड एंड डी जेड वाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ये आ जाएगा बच्चों टू एक्स कोस एक्स स्क्वायर खत्म अगर साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में होता तो सीधा कॉस एक्स स्क्वायर आ जाता है लेकिन साइन एक्स स्क्स के रेस्पेक्ट में तो पहले साइन का होगा कॉस तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर जिसको मैंने जेड माना था उसका वापस एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो टू एक्स और आएगा इसको एक और तरीके से करूंगा लेकिन अभी ये यह आ जाओ सर एक क्वेश्चन हमारे को दे दो ये देख एक पूरा प्योर हमें ही करने दो सर क्योंकि ये थोड़ी सी चीज अलग टाइप की है बिल्कुल है अलग टाइप की ये देखो अब करना डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्यूब ठीक है इसका करना है अगर एलन एक्स क्यूब का एक्स क्यूब के रेस्पेक्ट में करता जब तो वन अपॉन एक्स क्यूब आ जाता क्योंकि एक्स को तो एलन बाई वो तो आसान हो जाता हेलो ये आसान हो जाता विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्यूब तो आसान हो जाता सीधा इसकी जगह रखता यहां पर भी जेड आता तो ये वन बाई जेड आता और जेड की जगह वापस एक्स क्यूब रख देता खत्म वन अपॉन एक्स क्यूब आ जाता लेकिन ये पिक्चर थोड़ी सी अलग है है ना तो इसका क्या होगा देखो तो देखो वही बोलो आप स्क्रीन पोस्ट करके पहले खुद करो जब तक कोई चीज नहीं आएगी अजीब आएगी और आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं बेटा स्क्रीन पोस्ट कर खुद कर और अब देख हा देख बोल क्या किया था ना क्या करूं मैं डी बाई डी एक्स सबसे पहले तो इस पूरे को एक्स इधर देख एक्स क्यूब की जगह जेड रख एक्स क्यूब की जगह जेड रख दू ताकि एल एनझेड बन जाए पर फिर नीचे भी झेड चाहिए ठीक है तो नीचे में इसको झेड लाने के लिए क्या एंड एंड एल एन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई मान रहा हूं तो ये वाई बराबर क्या हो जाएगा दिस एम्प्लाइज वाई बराबर चूंकि मैं एक्स क्यूब को पहले ही झेड मान चुका हूं तो यह आ जाएगा एल एन एक्स क्यूबरी एल एन जेड ठीक है सर अब क्या हो जाएगा इसको रखो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स क्यूब की जगह वाई कर दूं

और एक्स का फंक्शन हो गया तो मैं बोल दू कर दो डीवाई बाई डी जेड पहले वाई का किसी और के रेस्पेक्ट में फिर उस किसी और का एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक किसी और वाली चीज नहीं इंट्रोड्यूस हो गई तो वाई का के रेस्पेक्ट में और फिर वो जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये जेड एक हो गया ना तुम्हारा केमिस्ट्री में होता ना जैसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो वो बीच में कोई चीज बनती है जो एक से निकल के दूसरे में रिएक्ट करवा के नई चीज बना देती है वो वाली बात है तो यहां से देखो डीवाई बाई डी जेड कितना जाएगा यहां से डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों ऐसे पे कितना आ आ जाएगा जाएगा देखो तो से बच्चों और जेड की वैल्यू रख दो put z. Where z equal to, where z किसको माना था जेड इक्वल टू एक्स क्यों रखो तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो कितना आ जाएगा ये तो यहाँ से थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब अरे कट गया तो पावर कट गई थ्री बाई एक्स इज आया अच्छा एक तरीका और बताता हूँ सब मैं देखो एक तरीका और बताता हूँ ठीक है चलो इसी में बता देता हूँ मेथड टू दिस इज मेथड वन मेथड वन मेथड टू देखना मेथड टू सर मेथड टू क्या है इधर देखो थोड़ा सा आसान डी बाई डी जे एक्स है ना किसका एल एन एक्स क्यूब तो मुझे एल एन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है मुझे एल एन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो पहले देखो अब इसमें चेन है फंक्शन के अंदर फंक्शन चेन रूल कब लगता है जब फंक्शन के अंदर नया फंक्शन आ जाए सर समझ नहीं आया जैसे ये फंक्शन है लोगेरिथमिक और ये फंक्शन है एलजेब्रिक तो एक है लोगेरित फंक्शन और एक है फंक्शन 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 तो अपने का के अंदर है है ठीक ना ओके सर तो सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो क्योंकि हम अंदर वाले को झेड मान चुके मन में सोच तो सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन होगा जिसको आप, आपने अंदर वाले को कुछ मान लिया तो उस अंदर वाले के रेस्पेक्ट में फिर उस अंदर वाले का होगा एक्स के रेस्पेक्ट में समझ गए जितने अंदर फंक्शन आते जाएंगे ए बी सी तो पहले बाहर वाले का होगा ए के रेस्पेक्ट में फिर ए का होगा बी के रेस्पेक्ट में फिर बी का होगा सी के रेस्पेक्ट में तो जितने अंदर आते आ जाएगा हर बार वाले का वन तो 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 बाई एक्स क्यूब और फिर करूंगा अंदर वाले का तो थ्री एक्स लाइन में एक लाइन में सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करो फिर बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करते उसके अंदर वाले का करो समझ गए सबसे पहले बाहर वाले का फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा उसके बाद अंदर वाले का फिर उसके अंदर उसके अंदर चेन चलेगी दस है तो दस बार करके और सबको मल्टीप्लाई कर दो सबसे पहले बाहर वाले का होगा अंदर वाले को जेड मान चुका हूं फिर अंदर वाले का होगा उसके अंदर वाले को डब्ल्यू मान चुका हूं फिर उसके अंदर वाले का होगा उसके अंदर वाले को डब्ल्यू वाई मान चुका हूं कुछ भी मान चुका हूं ठीक है सर तो सर इससे पहले वाले भी ऐसे हो जाएंगे क्या देखो सर एक लाइन में हो गया तो बस अब एक्स स्क्वायर काट दो तो आंसर इज थ्री बाई एक्स और सर मजा आ गया है तो इससे पिछला वाला भी हो जाएगा क्या बिल्कुल होएगा ये देख ए मेथड टू यहां कर रहा हूं मेथड टू ठीक है यही लाइन मत खींच मेथड टू कर देते हैं मेथड टू मेथड टू सर कैसे सबसे पहले बाहर वाले का कर मन में सोच अंदर वाले को जेड मान चुके हम तो एक्स के रेस्पेक्ट कर रहा हूं लेकिन अंदर वाले को तो बाहर वाले का करूंगा तो कोस अंदर पे ध्यान मत दे

सर मजा आ गया तो अब अंदर वाले का कर रहे हो क्योंकि इसको आपने जेड माना था तो पहले साइन का कर दिया साइन जेड का कर दिया जेड के रेस्पेक्ट में तो एक्स फिर अंदर वाले का यानी कि जेड का अंदर वाले का करोगे टू एक्स ये अंदर नहीं है ध्यान रहा एंगल में बाहर है तो इसको लिखो टू एक्स कोस टू एक्स को स्क्वायर हेलो टू एक्स को स्क्वायर सर मजा आ गया ये तो एक एक लाइन में होने लग गया अरे बेटा यही तो है ब्यूटी लेकिन चीजें दोनों सीखनी है मैं अगर पहले ये सिखा देता ना बाहर वाला ये तो तुम क्या फिर ढंग से पढ़ते ही नहीं ये u into v वाला ठीक है ये देखो इसमें भी देखो इसमें भी देखो मेथड 2 ए मेथड 2 देख सबसे पहले बाहर वाले का कर ए सबसे पहले बाहर वाले का कर तो सबसे पहले बाहर वाले का कर ए ये देख dy dx ऑफ e की पावर x3 करो सबसे पहले बाहर वाले का तो बाहर वाले का करोगे ई e का ई e का तो मतलब ई e का ई e की पावर एक्स क्यूब भी रहेगा और फिर उसके अंदर वाले का इंटू इस अंदर वाले का तो सबसे पहले बाहर वाले का करा फिर अंदर वाले का तो करो अंदर वाले का तो एक्स क्यूब का थ्री एक्स स्क्वायर खत्म हेलो पहले करा ई e का तो ई e का ई e की पावर एक्स क्यूब भी आया फिर एक्स क्यूब का करा थ्री एक्स स्क्वायर अब मन में सोच जब तू ई का कर रहा था तो क्यूब को झेड मान लिया था मन में सोच तो ई की पावर जेड का पहले करा जेड के रेस्पेक्ट में तो ई की पावर जेड ही आया फिर अंदर वाले का झेड को एक्स के रेस्पेक्ट में करा तो थ्री एक्सर आया था याद कर तो पहले ई की पावर जेड का ई की पावर झेड फिर का मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में दो झेड एक्स क्यूब को माना था थ्री एक्स स्क्वायर आया था तो देख ली यही आया था इधर अब तू चाहे जैसे समझ ले एक बार खुद विचार कर सब समझ आएगा ठीक है सर चल आ जाओ सर आप ये बताऊं आप दोनों में से एक ही मेथड बता देते आपने दोनों क्यों बताया अभी कारण बताता हूं मैं एक चेन रूल पे मेरा मन कर रहा है क्वेश्चन तू करके बता दे है ना और थोड़ा भारी दूंगा इस बार एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी भाई। दी भाई दी और थोड़ा और भारी दे रहा हूं मैं तेरे को क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है तेरे को मेरी बात समझ में आ गई e की पावर साइन की पावर एक्स स्क्वायर देख ले सर ये भारी कैसे हुआ बताता हूं इसमें बच्चों e के अंदर साइन है उसके अंदर फिर एक्स स्क्वायर है

तो इन टू करके ए सबको मल्टीप्लाई तो देखो ई e की पावर तो इस पूरे को मैं जेड मानूंगा जब सीखूंगा और जेड के अंदर इसको डब्ल्यू मानूंगा तो इस बार तीन पहले इसको मानूंगा जेड साइन एक्स स्क्वायर को फिर स्क्वायर को मानूंगा और फिर इसको मानूंगा पूरे को वाई ठीक है सर तो यह देखो तो साइन का करूंगा फिर कोस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का करूंगा इंटू टू एक्स हेलो ई का करा तो ई की पावर पर ध्यान नहीं दिया तो ई का ई की पावर जो भी थी वो का वही फिर जो पावर थी उसका करा तो साइन का कोस अंदर ध्यान नहीं दिया फिर एक्स आंसर तो तो आ गया टू एक्स पावर साइन एक्सर खत्म अब आ जाओ वो ए दूसरा मेथड तो ये वन हो गया सेकेंड देखो सेकेंड तो इस इधर देखो डी बाई सुनना सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मानूंगा मैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड ना तो मैं एक्स स्क्वायर को मानूंगा मान लो डब्ल्यू ठीक है और फिर मानूंगा मैं साइन एक्स स्क्वायर को यानी कि बराबर साइन डब्ल्यू हो गया और इस पूरे को मान लूंगा मैं डब्ल्यू फिर जेड या वाई कर दो चलो इसको वाई इसको मान लिया मैंने या चल जेड मान ले वाई मान ले चल वाई कुछ भी मान लेना यार तो सबसे पहले इसको माना मैंने W और फिर तो ये बन गया साइन W इस साइन W को मान लिया मैंने भाई ठीक है तो इसको तो मान लिया W तो ये बन गया साइन एक्स स्क्वायर बन गया साइन W इसको मान लिया मैंने भाई और फिर पूरा E की पावर है ना और E की पावर साइन एक्स स्क्वायर क्या बन गया तो मैं बोल दू ये W ये पूरा क्या बन गया था साइन एक्स स्क्वायर बराबर वाई बन गया था ना तो यह बन जाएगा ई की पावर वाई बेटा ये पूरा वाई बन गया ना वाई इसको मान लिया मैंने झेड हेलो इस पूरे को मान लिया झेड इसको मान लिया इस पूरे को मान लिया झेड इसको मान लिया वाई और इसको मान लिया डब्ल्यू एक्स स्क्वायर को डब्ल्यू साइन एक्स स्क्वायर को वाई और ई e की पावर साइन वाई को मान लिया झेड ठीक है सर अब आ जाओ क्या बन गया तो मैं बोल तो बच्चों ये बन गया डी dx डी एक्स ऑफ ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ वाई जेड बन गया ये क्योंकि पूरे को जेड माना देखो ए ये जेड अब आ जाओ अब ये जो जेड है तेने जिसको जेड माना वो y पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि जेड को मैंने e की पावर साइन एक्स स्क्वायर को e की पावर साइन एक्स स्क्वायर को y लिख दिया तो मतलब तो जेड वाई का फंक्शन है फिर वो y w का फंक्शन है और वो डब्ल्यू एक्स का फंक्शन है देखो वापस वाई जेड वाई का फंक्शन है वाई डब्ल्यू का फंक्शन है और डब्ल्यू एक्स का फंक्शन है सॉरी जेड वाई का फंक्शन है जेड डिपेंड्स अपॉन वाई वाई डिपेंड्स अपॉन डब्ल्यू एंड फाइनली डब्ल्यू डिपेंड्स अपॉन एक्स जेड ऑन वाई वाई ऑन डब्ल्यू डब्ल्यू ऑन एक्स चार चार चीज आ गई और मुझे अल्टीमेटली जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में करना जेड डिपेंड्स अपॉन वाई वाई डिपेंड्स अपन डब्ल्यू 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 एक्स और मेरे को जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो पहले मैं जेड का करूंगा वाई के रेस्पेक्ट में वाई का करूंगा डब्ल्यू रेस्पेंट का करूंगा आओ इधर आओ तो से मैं बोल हेलो देखो, देखो, तो तो क्योंकि वाई डिपेंड्स अपॉन डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डिपेंड्स अपॉन एक्स तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आनंद आया क्या जो जिस पर डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन तो उसके रेस्पेक्ट में होगा तो जेड डिपेंड्स अपॉन वाई तो डी जेड तो डीवाई डी डब्लू डब्ल्यू डिपेंड्स एक्स तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स अपने आप देखो पहला वाला लास्ट के रेस्पेक्ट में देखो डीवाई से डीवाई कट जाएगा डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू कट जाएगा और अल्टीमेटली डी जेड वाई डी एक्स आएगा और उस जेड की वैल्यू लास्ट में ई की पावर जो भी रख दूंगा चलो सर समझ में आया आ जाओ नहीं? 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 इसको आ जाओ पेज पे देखते हम्म तो यहां से क्या है बच्चों तो पिछले पेज पे जाके नहीं पिछले पेज पे जाके ये करो डिफ्रेंशिएशन तो मेरे को चाहिए एक तो दी दी क्या है ये ग्रीन कलर से कर रहा हूँ मैं मेरे को क्या चाहिए बच्चों मेरे को चाहिए एक तो डी जेड सॉरी डी जेड बाई डी वाई तो यहां से आ जाएगा डी जेड वाई डी वाई कितना डी जेड तो e की पावर वाई आ गया क्योंकि बच्चों e की पावर वाई का वाई के रेस्पेक्ट में e की पावर वाई होगा हाँ यहां यहां चाहिए मेरे को डीवाई बाई डी डब्ल्यू सही है डीवाई बाई डी डब्ल्यू चाहिए डीवाई बाई डी डब्ल्यू तो इसका साइन डब्ल्यू का डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में साइन डब्ल्यू का डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में तो साइन डब्ल्यू का डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में साइन डब्ल्यू का डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में साइन डब्ल्यू

e की पावर y वाई की पावर वाई इन टू फिर डब्ल्यू इन टू कोस डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स टू एक्स इंटू टू एक्स फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों तो फाइनल आंसर गया टू एक्स फाइनल आंसर आ गया बच्चों टू एक्स कोस डब्ल्यू ई की पावर भाई अब वैल्यू रख दो सारी और आंसर मैच कर लो टू एक्स कोस डब्ल्यू की वैल्यू डब्ल्यू किसको माना था एक्स स्क्वायर को ठीक है सर कोस एक्स स्क्वायर और फिर ई e की पावर वाई वाई माना था किसको साइन डब्ल्यू को और डब्ल्यू क्या था एक्स स्क्वायर हेलो देख ले आंसर मैच कर रहा है क्या बिल्कुल ये देखो टू एक्स कोस एक्स स्क्वायर और ई e की पावर तो सर दोनों तरीके समझ में आ गए एक में अपन क्या करेंगे डी वाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है अंदर बहुत बड़ा अटाला है तो उस अटाले को वाई मानेंगे फिर उस अटाले के अंदर जो अटाला है उसको झेड मानेंगे बस ऐसे चलते जाएंगे और फिर सबको मल्टीप्लाई करके तो अटाले का वाई के एक्स के रेस्पेक्ट में करना तो पहले अटाले को अगर वाई माना है तो वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करना तो पहले वाई का करोगे जेड के रेस्पेक्ट में क्योंकि अटाले के अंदर वाले अटाले को जेड माना था तो वाई का करोगे जेड के रेस्पेक्ट में फिर जेड का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में यही तरीका और सबको मल्टीप्लाई कर दोगे ये समझ आ गया ठीक है ना तो ये तीन वाला भी करा दिया ये इतना भारी चीज करा दी मैंने कि ये तो हल्के लगने लगेंगे आपको दो वाले और एक मेथड मैंने और बता दिया कोई तकलीफ हो तो सबसे बाहर वाले का करो अंदर ध्यान मत दो फिर उसके अंदर वाले का करो उसके अंदर ध्यान मत दो फिर उसके अंदर वाले का करो और सबको मल्टीप्लाई कर दो ठीक है सर तो सर चेन रूल हमारे को समझ में आया थोड़ा सा भारी लगा लेकिन भारी तो है पढ़ना तो पड़ेगा ठीक है क्योंकि चेन रूल हमारे काम आएगा सर कैसे आएगा आज आप चेन रूल पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं है ना चेन रूल पे बेस्ट अपन क्वेश्चन कर लेते हैं

तो ये सब तो हो गया था सर चेन रूल ये नहीं हुआ था ठीक है जहां पर इससे पहले ये करूंगा ये देखो चेन रूल अब इधर देखना बच्चों पहले ये कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर देखेंगे सब क्वेश्चन नंबर नाइन ठीक है क्वेश्चन नंबर चेन रूल देखो अब इसमें मेरे को एक्स के रेस्पेक्ट में करना है लेकिन ये अंदर जो है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं है उसकी पावर फोर भी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर है हेलो तो पहले इस अंदर वाले को मैं जेड मानूंगा तो ये जेड की पावर फोर बन जाएगा ठीक है तो पहले पावर का होगा सुनना ध्यान से पहले पावर का तो चलो अपन तो अब अप क्या करते हैं इसमें थोड़ा अजीब लग रहा तो इसको झेड़ मान लेते हैं तो झेड़ की पावर फोर बन जाएगा हेलो ठीक है सर तो देखो इसको करना है अपने को सोल्व तो देखो अगली शीट है क्या अपने, अपने को सोल्व करने के लिए हम्म <laughs> 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 चलो तो देखो कौन सा क्वेश्चन करना था हमने को ये करना था है ना तो अपना क्वेश्चन है बेसिकली ये क्वेश्चन नंबर नाइन है ना क्वेश्चन नंबर नाइन चलो एट भी कर ही लेते क्वेश्चन नंबर एट और नाइन तो देखो सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन एट सॉल्यूशन एट ठीक है क्या था एट एट और नाइन दोनों लिख रहा हूं मैं एट क्या था बेटा डीवाई dy dx और वाई था साइन जेड और जेड था एक्स क्यूब डी वाई बाय डीएक्स है नाई क्या था वाई बराबर था डीवाई बाई डीएक्स निकालना था वाई था साइन जेड और जेड था एक्स स्क्वायर शायद यही था देखना वाई था साइन जेड और जेड था एक्स क्यूब क्यूब ठीक है अब देखो बच्चों, आपको जिसका डिफरेंशिएशन करना है के में वो का फंक्शन है और वो का फंक्शन है, तो बस चेन रूल लग जाएगा। ए, बेटा आप देख नाटक नहीं करना चेन रूल क्या आएगा? तो बच्चों डी बाई अगर ये डी जेड होता तो मजा आ जाता y y का के फंक्शन तो है ए, वाई ठीक है और मुझे चाहिए डी वाई तो पहले मैं वाई का करूंगा के रेस्पेक्ट में वाई तो का करूंगा पहले मैं के रिस्पेक्ट में हेलो क्योंकि वाई जेड का फंक्शन है बेटा तो वाई, -वाई, 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 -वाई के रिस्पेक्ट में। का एक्स के रेस्पेक्ट में आया आनंद अपने आप डी जेड से डी जेड के डीवाई बाई डी जाएगा ओके अपने आप डी वाई बाई डी एक्स तो वाई चूंकि जेड का फंक्शन है तो पहले वाई का जेड के रेस्पेक्ट में फिर जेड का एक्स के y डायरेक्ट एक्स का फंक्शन नहीं है वाई डायरेक्ट एक्स पर डिपेंड नहीं करता है तो पहले वाई का होगा जेड के रेस्पेक्ट में फिर जेड का होगा क्योंकि डिपेंड डी वाई बाई डी जेड आ जाएगा को जेड और यहां से डी जेड बाई डी एक्स कितना तो डी जेड बाई डी एक्स आ जाएगा बच्चों थ्री एक्स स्क्वायर रखो यहां ये दोनों चीजें रखो तो कितना डीवाई बाई डी जेड इज को जेड

सर ये तो वो आप वाला मेथड तो लगा ही नहीं जो आप बता रहे थे बताता हूँ ना ये तो मेथड वन हो गया मेथड टू देख लगेगा क्यों नहीं मेथड टू सर कैसे तो डी बाई डी एक्स अब इसको पूरे को वाई को एक्स का फंक्शन तो वाई की जगह को साइन जेड रखूंगा पहले ये देखे ना वाई था ना यहाँ हेलो तो वाई की जगह रख क्या साइन जेड क्योंकि वाई साइन जेड है ना लेकिन अभी भी एक्स नहीं आया देखो मेथड टू में तो फिर अपन क्या पूरा एक्स का फंक्शन ही बनाते थे फिर जेड की जगह एक्स क्यूब रख तो यहाँ पे जेड की जगह एक्स क्यूब रख यहां से आ जाएगा डी बाई डीएक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब बस डी dx अब करो डिफ्रेंशिएशन तो देखो सबसे पहले बाहर वाले का करो तो साइन का होगा कोस अंदर ध्यान मत दे साइन का होगा कोस अंदर ध्यान मत दे फिर अंदर वाले का करो तो एक्स क्यूब का आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर आ गया आंसर थ्री एक्स स्क्वायर कोस एक्स क्यूब आया क्या मजा आ गया ठीक है तो दिस इज द चेन रूल ठीक है चलो सर तो सर ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा एट अब क्वेश्चन काम आता फिजिक्स में एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर का करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर का करना है तो नाइन सोल्यूशन नाइन क्या है यह डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर इज इक्वल टू अब देखो बच्चों तो इसमें क्या है पहले पावर का होगा देखो पहले अंदर नहीं घुस सकते पहले हमेशा पावर का होता है पावर आगे आ जाएगी पावर एक की कम हो जाएगी ठीक है यही यू समझ लोड मान लिया मैंने देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जेड ये क्या बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ जेड की पावर फोर हेलो ठीक है देखो

ठीक है तो वाई डिपेंड करता है जेड पे और जेड डिपेंड करता है एक्स पे ठीक है तो यहां से मैं लिख दू अब वाई है फंक्शन जेड का तो डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड डी एक्स ठीक है सर अरे बेटा इस पूरे को मान लिया मैंने वाई इसको वाई पूरे को वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वन को मान लिया जेड तो ये बन गया जेड की पावर फोर जेड की पावर फोर बराबर वाई आ जाओ तो डी वाई बाई डी जेड देखो तो जैसे डीवाई बाई डी जेड करोगे तो यह जाएगा फोर जेड क्यूब ये देखो ना पावर आ गया ये देखो डी वाई बाई डी जेड तो ये आ जाएगा फोर जेड क्यूब पावर आ गया, गया गई, पावर एक से कम हो गई फिर यहां करो डी जेड बाई डी एक्स, दी एक्स, करो। एक्स। तो ये आ जाएगा टू एक्स क्योंकि वन का तो जीरो आ जाएगा टू एक्स प्लस जीरो आ जाएगा फोर जेड क्यूब और यह आ जाएगा टू एक्स जेड का एक्स का रेस्पेक्ट में ये डी जेड बाई डीएक्स तो ये आ जाएगा एट एक्स जेड क्यू और जेड की वैल्यू रख दो जेड क्यू और जेड की वैल्यू रख दो एट एक्स जेड की वैल्यू रख दो कितनी एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर थ्री समझ में आ गई क्या बच्चों तो पावर आ गए ठीक है तो सर अपन ने एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर को वाई मान लिया और एक्स स्क्वायर प्लस वन को जेड मान लिया तो ये जेड की पावर फोर हो गया ये अच्छा सर आप वाला मैथड वो ये तो मैथड वन हो गया

अब अंदर वाले का करो तो अंदर वाले का कितना जाएगा इंटू करके अंदर वाले का कितना जाएगा देखो इंटू करके अंदर वाले का देखो इंटू करके अंदर वाले का का अंदर वाले आ जाएगा जीरो? ये प्लस जीरो भी लिखना ताकि ध्यान रहे इसका करा तो पहले करा पावर का और फिर करा अंदर वाले का टू एक्स प्लस जीरो अब ये जीरो तट गया टू एक्स इसके साथ मिलकर आ जाएगा एट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर आया आनंद एट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर फोर ओके

टू टू एक्स करा तो दिया बेटा तो ये आ जाएगा टू एक्सवर खत्म नहीं तो इसको, मान लो ए, इसको देखो मैथर तो तो इस, दे, e को मान लो भाई स्क्वायर को मान लो जेड क्योंकि ये भी तो नया फंक्शन है जेड, और फिर ये बन जाएगा,

तो पहले चूंकि वाई जेड का फंक्शन है तो वाई का जेड के रेस्पेक्ट में और फिर का के में। तो देखो डी वाई बाई डी जेड से कितना बच्चों डी जेड बाई डी एक्स और वो आ जाएगा टू एक्स ठीक है तो यहां आ जाएगा टू एक्स तो यह आ जाएगा ई की पावर जेड इंटू टू एक्स और जेड की वैल्यू रख दो कितना जेड किसको माना था एक्स स्क्वायर को तो यहां रख दो E की पावर जेड ये तो यहां पे टू एक्स इंटू की पावर एक्सर यही आया था अपने मेथड से भी पर अपना वाला फास्ट हो गया था तो मेरे वाले मेथड में तो बाहर वाले का फिर उसके अंदर वाले का फिर उसके अंदर वाले वालेगा फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो ये सबसे आसान तरीका है लेकिन आने दोनों चाहिए ये भी आने चाहिए थोड़ा सा बच्चों को भारी लगता है लेकिन इसका किया कुछ नहीं जा सकता सर क्यों आने चाहिए दोनों तेरे को नीट में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूं ये नीट 2009 2010 दो सक्सेसिव दो है ना सक्सेसिव ईयर में ये आया हुआ क्वेश्चन है ये देखते हैं देखो क्या है ए कंडक्टिंग लूप सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड है विथ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू बी यानी कि उस जो लूप है सर्कुलर लूप उसका प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे ये रहा मैग्नेटिक फील्ड यू और वो लूप का सर्कल का परपेंडिकुलर है प्लेन तो सारा फ्लक्स उसमें से गुजरेगा ठीक है द रेडियस ऑफ लूप इज मेड टू श्रिंक एट द रेट ऑफ वन एम एम पर सेकेंड मतलब उसकी जो रेडियस है ये लूप है उसकी रेडियस घट रही है श्रिंक हो रही है इसमें से। क्या आनंद तो क्वेश्चन हाँ बिल्कुल ये तो है तो बी दिया हुआ है डी आर वाई डी टी दिया हुआ है और पूछा क्या है देन द रेडियस इज इक्वल टू टू सेंटीमीटर जब रेडियस दो सेंटीमीटर है जब ये की रेडियस होते होते दो सेंटीमीटर की होगी तब आपको बताना है क्या है इंड्यूस डीएमएफ इंड्यूस डीएमएफ आपको बताना है और इंड्यूस डीएमएफ का फॉर्मूला लिख देता हूं मैंने शायद इस वाले में लिखा है फॉर्मूला इंडियोस डीएमएफ पहले लिख दिया ये देखो। आपने फेराडे लो है बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ट्वेल्व में नहीं तो मैं तो मैं आप बता रहा हूं ई बराबर डी फाइव बाई डी टी मैंने लिखा हुआ था ठीक है तो आप चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो है ना वेयर ई बराबर बराबर डी dt तो अल्टीमेटली मेरे को क्या करना बच्चों फ्लक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है है ना तो ये देखो तो अभी इधर देखो इधर देखो, देखो सोल्यूशन तो ई बराबर डी फाइव बाई डी टी और फाइव बराबर चूंकि कोयल की वो परपेंडिकुलर रखी है तो बी इन एरिया हो गया वो अरे परपेंडिकुलर है ना परपेंडिकुलर है प्लेन परपेंडिकुलर है कोयल का प्लेन कोयल का प्लेन परपेंडिकुलर है कोयल इज परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ कोयल इज परपेंडिकुलर टू बी बोल दो थीटा बराबर जीरो सर क्यों जीरो का प्लेन कोइल की एरिया छोड़ो ना यार फ्लक्स ही होता छोड़ तू अभी ये छोड़ो यहां लिख दे बस ये ये फ्लक्स फ्लक्स बाद में सिखाऊंगा प्लेन ऑफ इस परपेंडिकुलर टू बी बस ये लिख लें वो बाद में देखेंगे अपन तू तो ये होता है बी इंटू तो डी बाई डी टी ऑफ बी है बी पॉइंट जीरो पच्चीस पॉइंट जीरो टू फाइव इंटू एरिया पाई पाईआर स्क्वायर तो चलो इसको भी बी लिख देता हूं बी नोट बी नोट मतलब कॉन्स्टेंट इंटू पाई आर स्क्वायर ये वेरिएबल अब देखना बच्चों बी नॉट तो गया कॉन्स्टेंट और पाई आर स्क्वायर है ना जहां आर रेडियस है जो बदल रही है रेडियस टाइम के साथ रेडियस वेरिएबल है बी तो कॉन्स्टेंट है ठीक है तो ये ले रहा हूं तो पाई बार ले लिया बी नॉट बार ले लिया दीज आर द दस्टेंट है दोनों ठीक है अब आ गया डी वाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर अब कमाल देखो आप हेलो अब देख मेरे बच्चे रेडियस टाइम के साथ बदल रही है लेकिन डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ओके सर और आर बराबर क्या है बच्चों अब देखो जो बच्चा ये सोचता था ना कि मैं आर की वैल्यू रख के कर दूंगा और जिसने चेन रूल के दोनों पार्ट नहीं पढ़े और उसने सोचा पहले अंदर वाले का करूंगा या पहले पावर का करूंगा फिर अंदर वाले तो वो बर्बाद हो गए सब क्योंकि इस बार आपको आर एज ए फंक्शन ऑफ टी दी नहीं है हमारे पास आर एज ए फंक्शन ऑफ टी है ही नहीं बेटा जो मेरे वाले तरीके सुनो 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 जो ये सोचता था ना कि जैसे आर बराबर टू टी प्लस वन होगा की पावर टू होगी तो पहले पावर का करूंगा तो पावर आगे आ जाएगी पावर एक से कम हो जाएगी फिर अंदर वाले का करूंगा टी के रेस्पेक्ट में ये ये तो जो लोग सोचते थे ना पहले बाहर अब, अब, अब पावर का कर दिया फिर अंदर वाले का कर दिया इन टू टू टी का टू वो सब बर्बाद होगा क्योंकि इस बार आर दिया ही नहीं है तो सर फिर अब वो वाला लगाना पड़ेगा जो दूसरा मेथड था मेरे मेथड के अलावा वाला कैसे तो देखो पहले मैं बोल दू इधर देखो इसको मैं आर स्क्वायर बराबर सॉरी पहले मैं बोल दू इसका इसको आर वाई रहा हूं। आर वाई, ठीक है तो तो मैं ये आ जाएगा दी बाई दी टी वाई। ठीक है तो इसको मैं दू, पाई बी नोट। अब तेने वाई को आर स्क्वायर माना तो वाई डिपेंड करता है आर पे और आर डिपेंड करता है टी पे है ना आर बराबर फंक्शन ऑफ टी ठीक है आर डिपेंड करता टी पे तो देखो क्या करोगे आप तो मैं बोल दू बच्चों पहले करूंगा वाई का टी के रेस्पेक्ट में

और dr/dt की वैल्यू आ गई 1 mm पर सेकंड कितनी आ गई 1 mm पर सेकंड ये यार बिल्कुल ढंग से ये कितना आ जाएगा 2 पाई r की वैल्यू 2/100 क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदला b नोट की वैल्यू है बच्चों 0.025 और ये है 1 mm पर सेकंड 1 mm पर सेकंड 1 mm पर सेकंड ठीक है तो ये कितना आ जाएगा तो यहाँ से डेसिमल उड़ के हजार यहाँ आ जाएगा ठीक है तो ये टेन की पावर तो ये दो दो चार पच्चीस चौक सौ सो से कट जाएगा सब ठीक है सर तो ये आ गया पाई और ये थाउजेंड और इसका भी थाउजेंड आ जाएगा तो ये मेरा तो आ रहा है पाई माइक्रो है ना ये एम एम हटा दे टेन की पावर माइनस थ्री कर दे टेन की पावर माइनस थ्री तो टेन माइक्रो वोल्ट सॉरी पाई माइक्रो वोल्ट आंसर तो पहले पावर का है इधर देख तो ये आर का करना था टी के रेस्पेक्ट में तो आर का पहले आर के आर स्क्वायर का, का करना था टी के तो पहले आर स्क्वायर का आर के रेस्पेक्ट में कहो फिर आर का टी के रेस्पेक्ट में क्योंकि आर बेटा अंदर वाले का करना था टीके रेस्टोरेंट में लेकिन पहले आप पावर का होगा तो आर रूल ठीक है ना तो ये फॉर्मूला याद ही रखना तो इंड्यूस इंडम जब कोइल का वो बदल रहा हो तो टू पाई आर कितना टू पाई आर बी नोट इंटू डी आर वाई डी टी ये ई एम आई में फिर पढ़ाऊंगा तुम्हारे को तो सर चेन रूल समझ में आ गया ठीक है तो मुझे नहीं लगता आप चेन रूल में कोई दिक्कत है आपको ठीक है अब ये टेस्ट है आपके लिए क्लास टेस्ट ये तो सारे वो क्वेश्चन थे तेरे एन रूल से रिलेटेड अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक क्लास टेस्ट हो गया आप ये।, ये आपका क्लास टेस्ट है बच्चों स्क्रीन पोज करो और ये आपके पास दस क्वेश्चन है इन दस क्वेश्चन को आप एज ए टेस्ट अटेम्प्ट करो स्क्रीन पोज करके दस मिनट है दस क्वेश्चन है दस मिनट लो स मिनट में क्वेश्चन करो और फिर अपन इनको डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन डिफ्रेंशियन और लोग हमें कितना समझ में आया वो देखते हैं बेटा चेन रूल थोड़ा सा भारी पड़ता है चेन रूल को लेकर परेशान रहने की जरूरत नहीं है मैं अभी ये टेस्ट डिस्कस करने के बाद चेन रूल का एक सिंपल सा क्वेश्चन करा दूंगा इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बाकी चेन रूल की जो लास्ट में बातें पढ़ी अपन ने वो याद कर लो ठीक है उसके बाद अपन आगे स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ठीक है ना तो ये एक बार ट्राई करो फिर डिस्कस कर रहे हैं अभी अपन है ना मैं पानी पी लेता हूँ जब तक हाँ बच्चों दिया टेस्ट आ जाओ डिस्कस करते अपन ठीक है पन, एक बात एक मिनट एक मिनट बेटा हाँ तो टेस्ट डिस्कस करते अपन तो ये एक बेहतरीन क्लास टेस्ट है आपके लिए ठीक है देखते हैं आप कितने क्वेश्चन कर पाए मेरे हिसाब से तो आपसे क्वेश्चन होने चाहिए जितना अपन ने पढ़ा है ये देखो आपको डिफ्रेंशिएशन करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लोग एटीन बेस टेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स

लोग 18 बेस 10 को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी सर क्यों नहीं जरूरत थी जब तक सोल्व नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन कैसे कर बेटा क्या मैं बोल दू? ये कांस्टेंट टर्म है नो एक्स इज देर कांस्टेंट हेलो इसमें एक्स ही नहीं तो क्या मैं बोल दू कॉन्स्टेंट है तू तेरी मर्जी जितना सोल्व कर दे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी कॉन्स्टेंट आएगा और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हेलो तो आपने क्यों टाइम वेस्ट करा लोग टू लोग थ्री लोग थ्री सबकी वैल्यू एड क्यों करी आप डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा क्योंकि ही तो है ठीक है सर फिर अगेन वही कोर्स जीरो आंसर तो भी वन लिखा था है। ए बेटा कोर्स जीरो की वैल्यू का डिफरेंशिएशन करना है और मैं बोल दू ये भी कॉन्स्टेंट है अगेन दिस इज कॉन्स्टेंट तो ये भी कॉन्स्टेंट है ये भी कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन पहले भी जीरो अब भी जीरो जीरो हाँ अब यहां पे आ जाओ ये डिफरेंशिएशन करना है u अपॉन v का देखो एलन एक्स एक्स स्क्वायर यू ओपोन वी तो u अपॉन v में याद है नीचे वाले का स्क्वायर हेलो नीचे वाले का स्क्वायर और फिर नीचे वाला एज इट इज का X, याद है पहले ऊपर वाले का करते क्योंकि नीचे वाले को आपने स्क्वायर कर चुके हो माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का नीचे वाले का टू एक्स बस अब इसको फर्दर सोल्व कर लो एक्स एक्स कॉमन आके कट जाएगा तो यहां पे नीचे एक्स क्यूब बचेगा हेलो कर लोगे ना ठीक है सर सोल आप करते रहना बेटा एक्स कॉमन लेके काटना आप करते रहना ये आंसर है मेरी तरफ से तो ठीक है फिर ये ये क्या हो रहा है ठीक है हाँ फिर ये ये ई e की पावर एल एन एक्स ई की पावर एल एन एक्स E की पावर ln एक्स तो बच्चों में बोल दू ये तो चेन रूल लग गया पावर के अंदर पावर पा, पा, फंक्शन के अंदर फंक्शन चेन रूल अब चेन रूल में मैंने तेरे को जैसे बताया क्योंकि ई तो का ई तो 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 e e, e रहेगा ऊपर ध्यान मत दे फिर एलन एक्स का करो फिर उसके अंदर वाले का करो तो एलन एक्स का वन का बोलो ठीक है सर यहां पर आ जाओ एक्स ई की पावर एक्स तो x e की पावर x में u इन v से कर दोगे तो e, x ई का यू e की पावर x का e की पावर x प्लस e की पावर x एज इट और x का डिफरेंशिएशन वन पहले e की पावर x का करा तो e की पावर x ही फिर e की पावर x को छोड़ के x का करा तो बना जाएगा ओके सर ठीक है सर ठीक है सर, सर तो सर ये सारे समझ में आगे। आ गए हाँ यहां आ जाओ अब ये देखो थोड़ा सा मैंने ये लोग वाली चीजें दी अच्छा ये और फिर अच्छा पहले नाइन्थ करो बेटा नाइन्थ देखना ये लोक वाला ये हंड्रेड ये थाउजेंड बेटा वाई की वैल्यू निकालनी है हंड्रेड और थाउजेंड तो बेटा मेरी बात सुन हंड्रेड थाउजेंड आप बच्चा सोच रहा है मैं थाउजेंड को हंड्रेड की पावर बना लू नहीं बनेगा नहीं बनेगा क्योंकि हंड्रेड की पावर टू तो टेन थाउजेंड हो जाएगा तो हंड्रेड हंड्रेड आपके बच्चे हंड्रेड एक मिनट बच्चों चाय रख लेते हैं बिना चाय के तो कैसे पढ़ाएंगे आप खुद समझते हो तो चाय अपन यहां रख लेते हैं ठीक है तो देखो बच्चों हंड्रेड और थाउजेंड तो आप अगर थाउजेंड को हंड्रेड की पावर बनाओगे नहीं बनेगा तो सर क्या करें इसको मैं लिख दू बच्चों हंड्रेड को लिख दू टेन की पावर टू टेन की पावर टू और थाउजेंड को लिख दू मैं टेन की पावर थ्री हंड्रेड को लिख दू टेन की पावर टू और थाउजेंड को लिख दू टेन की पावर थ्री ठीक है सर सर क्यों कर रहे हो ऐसा क्योंकि दोनों कॉमन चीज की पावर बन गई 110 की पावर टू है था टेन की पावर थ्री है जैसे मैंने याद है वहां पे 927 दोनों को थ्री की पावर बनाया था 816 दोनों को टू की पावर बनाया था ठीक है सर यहां आ जाओ तो इसको मैं लिख दू क्वेश्चन नंबर नाइन का सोल्यूशन देखो तो यहां पर वाई बराबर लोग टेन की पावर टू और यहां पे भी टेन की पावर थ्री ओके पावर आगे ले लो तो यहां से थ्री आगे ले लिया टू आगे, आगे ले लिया तो टू वन बाई टू वन के आएगा तो आंसर इज वन पॉइंट फाइव आनंद आया क्या बेटा ये टेस्ट आपको करना है ये तो मैं तो तेरी हेल्प कर रहा हूं तेरे को लग रहा होगा इसी में लिख दिए ने ये तो हेल्प है बेटा ये तो मेरा एहसान एहसान इतना सा कर दो ठीक है तो बेटा देख मेरी बात सुन ये मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं देख तू फालतू की बात नहीं करेगा ये तेरको कर ले थे है ना टेस्ट था ये तो मैं तो पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ ठीक है ना ये अब आ जाओ ये अब देखो लोग के अंदर लोग बेटा थोड़ा सा चेंज होता डर जाता है लोग के अंदर लोग के अंदर तो पहले बेटा अंदर वाले लोग को सोल्व करिए देख है ना क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वही इस लोग के अंदर होगा इस लोग के अंदर इसका आंसर और इसको टेन की पावर टू लिख दू तो ये देखो चलो टेन को अगले पेज पर कर रहा हूं सोल्यूशन टेन टेन लोग बेस टेन लोग टेन हंड्रेड यहां पे मैं लिख दू लोग बेस टेन लोग टेन ये टेन की पावर टू ठीक है ये यहां से पावर आगे ले लू लोग बेस टेन ये पावर आगे ले ली ये आ जाएगा टू लोग बेस टेन टेन ये बन गया वन यहां से आ जाएगा लोग बेस टेन ये वन ये वन है ये टू भी है इधर देखो अरे बाहर टू भी तो है रे टेन ये बन गया वन दिस इज वन क्योंकि सेम 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 नहीं सेम से टू तो क्या मैं बोल बोलती बच्चों अंदर वाले लोग जो कि लोग हंड्रेड बेस्ट था उसकी आंसर टू आई और वो टू इस लोग के अंदर आ गया और ये अगेन लोग लिया तो पॉइंट थ्री जीरो तो डबल लोग दे दिया मैंने कोई बात नहीं सर हमारे को तो लो तो पहले अंदर वाले लोग को सोल्व करा उसकी जो आंसर आया वो इस लोग के अंदर बाहर वाले लोग के अंदर है तो ये आ गया पॉइंट थ्री जीरो ओके सर तो ये टेंथ क्वेश्चन हो गया सर

है ना सॉल्यूशन एट है ना सॉल्यूशन एट वन बाई एक्स डी एक्स और ये शायद वन से लेकर टू तक है. है देखो ए सॉल्यूशन एट ठीक है सर अच्छा एक बात बताओ वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है तो मैं बोल दू इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन एक्स एल एन मतलब वही लोक बेस ई लोक बेस ई e एक्स अब लगाओ लिमिट इसको कराने के पीछे मकसद है रेडियो एक्टिविटी में जब डी एन बाई एन का इंटीग्रेशन आएगा तो वो एल एन एन होगा समझ में ये या लोग याद याद आया हम्म फिर याद है एन नोट से लेके एन तक लिमिट रखी थी तो ट्वेल्थ तो तो में डेरिवेशन रख लिया था आज समझ आएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट तो पहले अपर लिमिट लगूंगा तो एन माइनस फिर लोअर लिमिट रखूंगा तो एन नोट तो ये लोग एम माइनस लोग एन लोग एम बाईन आ जाएगा हेलो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ही आ जाएगा ओके आ जाओ यहां पर हाँ तो सर ये लिमिट रख दो वन से लेके टू तक अब बताओ क्या करूं तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स और लिमिट रख दी वन से टू अब देखो अपर लिमिट तो ये आ जाएगा लोक बेस ई टू माइनस लोक बेस ई वन और आपको पता है बेस अगर नॉट इक्वल टू वन और यहां वन है तो ये जीरो हो जाएगा और ये आ जाएगा ए इसकी वैल्यू मैंने लिखाई थी याद है लोक बेस ई टू याद है पहले ई को टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री को मल्टीप्लाई करके बेस टेन में बदलोगे और फिर ये पॉइंट थ्री जीरो माइनस जीरो पॉइंट थ्री जीरो सब मैंने सोल्व किया था इसको डायरेक्ट याद रखना है, ए, ये बहुत होती है रेडियो एक्टिविटी में काम आएगी एलन टू एल एन टू इज पॉइंट सिक्स नाइन थ्री रेडियो एक्टिविटी हाफ लाइफ एल एन टू बाई लेक्शन एल एन टू बाई के रेट कॉन्स्टेंट पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ठीक है तो दिस इज नॉइंट सिक्स नाइन थ्री ओके सर ठीक है ये तो जीरो है तो ये आंसर है सर एट समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सेवन भी देखो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन है लेकिन ई से लेके ई की पावर फोर तक ये तो और ही आसान है तो यहाँ जाओ सोल्यूशन सेवन ये देखो वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मेरे बच्चे ई से लेके ई की पावर फोर तक तो यहां से बोल दू वन बाई एक्स का आ जाएगा बच्चों लोग बेस सी एक्स एल एन एक्स और इस बार लिमिट बहुत अच्छी है ई e से लेके e की पावर फोर सर अच्छी क्यों बोल रहे हो इसको ये देखो आप लिमिट जब रखोगे आप तो मैं बोल दो बच्चों पहले ये यहाँ जाएगा ई e के प्लेस में फिर ये जाएगा तो मैं बोल दू क्या आंसर आएगा बोलो तो ये आएगा <laughs> लोक बेस ई e, e की पावर फोर माइनस लोक बेस ई इंटू ई और ये हो जाएगा वन और ये पावर आगे ले लो हेलो तो पावर आगे ले ली और ये लोक बेस ई वन हो जाएगा और इधर लोक बेस ई ई वन हो जाएगा अरे सेम 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 वन ये भी से वन तो यहां पे फोर माइनस वन थ्री आ गया क्या लो इज इक्वल टू थ्री थ्री इज द फाइनल आंसर तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा थ्री इसका आंसर आ जाएगा थ्री किसका इसका आंसर आ गया थ्री ठीक है आंसर थ्री इसका आंसर कर लोगे ना ठीक है सर यहां जाओ अब y dx का इंटीग्रेशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x जीरो से लेके दो तक और y बराबर x है तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिक्स आ जाओ सिक्स करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स अरे ग्राफिकल दीप क्वेश्चन नंबर सिक्स उसके बाद ग्राफिकल पढ़ते हैं ठीक है सॉल्यूशन सिक्स क्या था इतने कहां से कहां तक था इंटीग्रेशन जीरो से टू तक जीरो से टू तक y dx का इंटीग्रेशन है ना इज इक्वल टू वॉट वाई वाई बराबर वाई बराबर एक्स तो बोल दो वाई बराबर एक्स या रख दो ये वाई बराबर एक्स रख दो तो यहाँ से मैं बोल दू जीरो से लेके टू तक एक्स एक्सडीएक्स का इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू जीरो से लेके टू तक यहां से यहाँ से पहले अपर लिमिट रख दो और फिर लोअर लिमिट रख दो यहां जाएगा टू का स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो का स्क्वायर बाई टू और ये आ जाएगा बच्चों टू से आंसर जगह एक्स, एक्स, तो एक्स, एक्स, तो एक्स रख दिया तो एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स टू का बहुत आसानी से लिमिट रख दी बहुत आसान है सर ये तो हमारा गया था पर एक जबरदस्त चीज बताता हूं इधर देख जबरदस्त चला जा मैं बोलता बच्चों

और स्ट्रेट लाइन देखो ये पावर वन वाने तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है दिस इज स्ट्रेट लाइन दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन तो जीरो कोमा जीरो और वन गोमा टू कोमा टू से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन जीरो जीरो टू गोमा टू जीरो जीरो टू कोमा टू जीरो जीरो टू कोमा टू यह स्ट्रेट लाइन ठीक है सर अब मुझको क्या करना था इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन मतलब मैं बोल दू एरिया अंडर दिखर एरिया अंडर दि कर एरिया अंडर दिखर एरिया अंडर वाई एक्स हेलो ये एरिया अंडर वाई एक्स कर ये वाला ये कितना yeah. आ जाएगा ये एरिया मोल दू ये एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस बेस हो गया टू और परपेंडिकुलर हो गया टू ए हाइट भी टू और base भी तू? बेस भी टू बेस टू टू हाइट टू और ये टू से टू तो को समझो ये y बराबर का इंटीग्रेशन का मतलब यही हो गया एरिया और कहा से कहां तक जीरो से दो तक तो ये सर ये कराने का को कोई खास मकसद स्प्रिंग का वर्क डन जब निकालेंगे तब तो काम आएगा अभी से तैयारी करा रहा हूं अरे स्प्रिंग में फोर्स ही तो होता है तो वहां पे एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन में लिखोगा तो -X -X का इंटीग्रेशन तो याद है के बाहर आ जाएगा फिर एक्स का एक्स तो आ जाता है और यही स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड होती है सर मजा आ गया तो तो सर ये तो बहुत अच्छा समझ में आया तो अब देखो तो मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया ये देखो तो सर ये तो समझ में आ गया ये एक तरीके से आ, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया यह है राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का एरिया सर राइट एंगल कैसे बना बताया था ना अभी तक राइट एंगल तो सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत जोरदार चीज है तो so, दो तरीकों से कर लिया अपन ने एक तो इंटीग्रेट करके कर लिया और एक ग्राफ बना कर लिया ठीक है सर अब अपने को ऐसे ही लास्ट डिफरेंशिएशन की चीज पढ़नी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और उसके बाद अपन अगर टाइम बचेगा तो एपीजीपी स्टार्ट कर देंगे ठीक है जितने एक बार थोड़ा सा चाय की चुस्की लगा लेते हैं अपन हाँ बच्चों तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अपन देखते हैं यूनिट बेटा माइक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अपन देख लेते हैं थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हां तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ तो डिफरेंशिएशन अपन देख लेते हैं बेटा वही मैंने कहा ना कि अपने को पूरी फिजिक्स में ग्राफिक ग्राफ के साथ डील करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो सर कैसे ये देखो कैसे ये ग्राफ है अपने पास दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस है ना और यह कोई ग्राफ है ठीक बच्चो? है बच्चों और यह कोई पॉइंट है ए ध्यान देना और यह पॉइंट है बी देर आर टू पॉइंट ऑन दिस ग्राफ ए एंड बी और इसके ए के अकॉर्डिनेट है बच्चों एक्स वन गोमा वाई वन क्या है एक्स वन गोमा वाई वन और इसके कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चे एक्स टू कोमा वाई टू थोड़ा सा इस पेन को बदला करना पड़ेगा मेरे को हुँ. तो एक्स वन कोमा वाई वन सॉरी हो गया दिस चलो वापस बना लेते छोड़ इसको क्या गरीब आदमी को बेचारे को वोट ही चलाना नहीं आता क्या करे है ना और फिर ऐसी ऐसी दवाही मचेगी तो क्या करेगा वो चलो अपन तो वापस बनाते हैं ठीक है अब इस बना देते भैया आप हमारे को कोई मतलब नहीं आपसे ठीक है ये लो ठीक है एक्स वन वापिस बनाते अपन ठीक है ये थोड़ा सा मैंने पतला मार्कर ले लिया क्योंकि मेरे को इसमें ये ए पॉइंट है बच्चों एंड दिस इज बी पॉइंट दिस इज एक्स वन कोमा वाई वन एंड दिस इज एक्स टू कोमा वाई टू ठीक है सर दे आर आर टू पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन एंड एक्स टू कोमा वाई टू ओके अब देखो बच्चों क्या है ये दिख रहा है ना आपको ये उधर कलर में तो नहीं आ रहा ये हाँ ये एक्स टू को वाई टू अब देखो बच्चों <laughs> अगर मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली मैंने एक लाइन खींच दी दिस इज लाइन अग दीस टू पॉइंट एक्स वन कोमा वाई वन एंड एक्स टू को वाई टू इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने अच्छा एक बात बताओ अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ये जो दोनों लाइन को मिलाने वाली तो आप बताओ मेरे को ये एंगल थीटा है क्या है ये एंगल दिस एंगल इज थीटा दिस एंगल इज थीटा ये दिस एंगल इज थीटा ठीक है सर तो मुझे ये बता दो ये एंगल थीटा है और अब यहां से मैं एक ज्योमेट्री ड्रॉ कर रहा हूं ये बताओ तो ये और ये तो ये कोऑर्डिनेट बच्चों इस ए पॉइंट का यहां एक्स वन जीरो आ जाएगा और यहां एक्स टू जीरो आ जाएगा क्योंकि हम एक्स एक्सिस में तो पॉइंट के लिए एक्स वन चले और बी पॉइंट के लिए एक्स टू चले ऐसे ही यहां पे जब ड्रॉ करोगे तो ये जीरो वाई वन आ जाएगा एंड दिस इज ये 0, Y2 आ जाएगा क्या यस yes, सर देखो आपको एक्स वन वाई वन पे पहुंचना तो आगे एक्स वन चलते हो और ऊपर वाई वन चलते हो हेलो इधर चला मैं उधर चला ए जाने कहा आप तो आगे एक्स वन चलते हो ऊपर वाई वन चलते हो इसमें आगे एक्स टू चलते हो और ऊपर वाई टू चलते हो तो बच्चों आप आगे एक्स वन सर के ऊपर y1 सरके फिर आगे x2 सरके ऊपर y2 सरके तो बच्चों बताओ ये लेंथ कितनी हुई तो बच्चों मैं आगे x2 x1 चला जब a से b पे गया तो आप a के लिए ओरिजिन से x1 चलते हो b के लिए ओरिजिन से x2 चलते हो तो a से b के लिए x2 x1 चलते हो तो आप आगे जाने के लिए ये x2 x1 चलते हो मेरे बच्चों और ऊपर जाने के लिए पहले y1 से y2 चलते हो तो दिस वुड बी दू माइनस वाई वन एम आई राइट और नॉट मेरे बच्चे दिस इज वाई टू माइनस वाई वन तो आगे चले एक्स टू माइनस एक्स वन ऊपर चले वाई टू माइनस वाई वन तो बता दो ये एंगल अगर थीटा है तो ये कोरस्पोंडिंग एंगल थीटा हो गया क्या हिंदी में संगत कौन कोरोस्पोंडिंग एंगल थीटा हो गया क्या तो यहां से मैं बोल दू बो टेन थीटा टेन थीटा और टेन थीटा क्या होती है स्लोप ये अपन आगे जब ग्राफ बढ़ेंगे तो टेन थीटा इज नथिंग बट स्लोप

इक्वल टू डेल वाई बाय एक्स डेल वाई डेल एक्स ठीक है ये टेन डीटा इज इक्वल टू डेल वाई बाय एक्स डेल वाई हो गया डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट और एक्स हो गया डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो आप वाई में कितना चले उसका डिफरेंस और एक्स में कितना चले उसका डिफरेंस ही स्लोप है और बिल्कुल ओके okay भी है क्योंकि बच्चों जितना डेल वाई बढ़ेगा अगर डेलेक्स को कांस्टेंट कर दूं सुनो आप ध्यान से फील लो डेलेक्स को कांस्टेंट कर दू डेलेक्स को कांस्टेंट का मतलब आगे जाना कांस्टेंट कर दूं भाई आगे कितना चल रहा हूं फिक्स कर दूं कि मैं तो आगे ए से बी तक जाने के लिए दो मीटर ही चलूंगा और डेल वाई को बढ़ाऊं मतलब ऊपर ज्यादा चलू आगे तो दो मीटर चलूंगा ऊपर कभी तीन चल रहा हूं कभी चार कभी पांच तो टेन टीटा देखो आपका हाथ ही देखो एंगल बढ़ेगा ए एंगल बढ़ेगा एंगल बढ़ेगा देखो जैसे जैसे ऊपर ज्यादा चलोगे और ज्यादा चलोगे और ज्यादा चलोगे तो एंगल बड़ा होगा तो tan थीटा बड़ा होगा क्योंकि थीटा के साथ tan थीटा नाइन्थ क्लास में पढ़ा साइन 30 कोस 30 साइन ओके सब पढ़ा सर तो थीटा बढ़ने के साथ tan थीटा बढ़ता है 10 90 इंफाइनाइट होता है 10 0 0 होता है 10 0 0 होता है 10 90 इंफाइनाइट होता है बढ़ता जाता है तो क्या मैं बोल दूं जैसे-जैसे डेल वाई बढ़ेगा देखो डेल एक्स ये फिक्स कर दो फिक्स Osionfish. तो डेल वाई पहले इतना था तो एंगल कम था फिर इतना हो गया तो एंगल बड़ा हो गया फिर इतना हो गया तो एंगल और बड़ा हो गया फिर इतना हो गया तो एंगल और बड़ा हो गया तो क्या मैं बोल बोलूं जितना आप वाई में ज्यादा चलोगे स्लोप बढ़ेगी स्लोप बढ़ेगी स्लोप बढ़ेगी सर ओके okay. ठीक है सर डिफ्रेंशिएशन का इससे क्या लेना देना बिल्कुल है लेना देना सर क्या लेना देना है अभी बताता हूं क्या लेना देना अभी बता रहा हूं क्या लेना देना है अभी बता रहा <coughs> <beginners> <Officers2> हूं क्या लेना देना है अभी बता रहा हूं यार क्या हो रहा है चलो मैं इस दिन पढ़ा रहा हूं है ना क्या लेना देना है बता रहा हूँ ठीक है ये स्लाइड सही करके भेज दूंगा अगले ले लेते ले बन तो क्या लेना देना है अभी बता रहा हूँ सर उसका क्या लेना देना है अभी बता रहा हूँ इधर देखे तो अपना क्या आया था टेन थीटा इज इक्वल टू डेलवाई बाई मैं बोल दू बच्चों और अब देखो अगर ये पॉइंट बहुत करीब आ जाए अगर ये पॉइंट यहां पे बहुत करीब आ जाए इस पॉइंट को बहुत करीब ले लू है ना तो अब अगला डायग्राम बनाता हूं देखो अगर पॉइंट करीब आ जाए ये देखना हो इफ दीज टू पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के बहुत करीब आ जाए कौन ए और बी तो ये X1, Y1, ये वही वही बेटा वो पिक्चर जो पीछे गई थी और ये वही यह वहीट वोनेट सारा वाई में कितना चला एक्स में कितना चला वो सब समझ में आ रही है ए बेटा X1 से X2 चला फलाना तो मैं बोल ये छोटा ट्राइंगल बनेगा यहां जो पहले बना था देख हेलो और मैं बोल ये रही वो टेंजेंट देख ए मेरे बच्चे ए और बी को मिलाने वाली लाइन पहले इंटरसेक्ट करती थी देखो ए से बी को मिलाता था, था तो पहले इसको काट के जाती थी कर्व को क्रॉस करती थी अब एक दूसरे के बहुत करीब है तो यह जो लाइन है वो काटने की बजाय इस कर टी भी जाएगी मतलब टेंजेंट बन जाएगी क्या इफ एंड बी आर वेरी क्लोज देन दिस लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट द कर इट विल टच द करव If A and B are very close, then this line will not intersect the curve. This will just touch the curve, touches the curve. Okay sir. तो ए और बी अगर बहुत करीब हो जाएंगे तो ये लाइन यहां इस कर्व को टच करेगी मतलब मैं बोल दू लाइन ए इफ ए एंड बी आर वेरी क्लोज वेरी क्लोज देन दिस लाइन विल टच द कर विल जस्ट टचेज द करव जस्ट टच कर दो जस्ट टच दर्व कर्व मीन्स मींस विल बिकम विल बिकम विल बिकम टेंजेंट ऑन कर्व ऑन दिस करव हलो बड़े अंतर के लिए बड़े दूर दो दो दूर वाले पॉइंट के लिए इंटरसेक्ट करता था जब स्लोप बनाता था लेकिन जब ये पॉइंट पास हो जाएंगे तो यही लाइन जो थीटा एंगल बना रही थी इट जस्ट टचेज द कर्व एंड इट विल बिकम द टेंजेंट इट विल बिकम द टेंजेंट बिकम टेंजेंट जस्ट टचेज द कर्व जस्ट टच कर्व ठीक है और मैं बोलता तो बच्चों तो फोर ए फॉर वेरी क्लोज पॉइंट फोर क्लोज पॉइंट फोर वेरी क्लोज पॉइंट फोर वेरी क्लोज पॉइंट क्लोज पॉइंट मैं बोल दो ये डिफरेंस भी घट जाएंगे हेलो तो मैं बोल दू डेल वाई तो बन जाएगा डी वाई एंड ये वाला एक्स डिफरेंस बन जाएगा डी एक्स तो मैं डीएक्सू बच्चों टेन थीटा छोटे छोटे हो जाएंगे डिफरेंस तो टेन थीटा डीवाई बाई डी एक्स बन जाएगा <laughs> और यही स्लोप थी तो स्लोप टेन थीटा थी और वो टेन थीटा डेल वाई बाय एक्स की जगह डी वाई डी एक्स बन गया और डीवाई बाई डी एक्स का मतलब मैं बोल दू बच्चों डिफरेंशिएशन तो मीन्स मींस स्लोप मींस मीन्स डिफरेंशिएशन मींस या लिख दो एस डिफरेंशिएशन मींस हेंस डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन मीन्स मीन्स मींस स्लोप ऑन कर्व स्लोप ऑन कर्व ऑन टेंजेंट ऑन कर्व स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट ऑन कर्व ऑन कर्व कभी भी ध्यान रखना डिफरेंशिएशन करना हो तो या तो इक्वेशन दी हो तो सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए थे पावर आगे ले लो पावर एक से कम प्रॉपर्टी uh, लगा दो चेन रूल लगा दो वो तो है ही है लेकिन अगर ग्राफ दे दे तो ग्राफ में तो इक्वेशन होगी नहीं अगर ग्राफ दे दे और आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो कुछ मत करो आप स्लोप ले लो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व

ठीक है छब्बीस कर लेते आ जाओ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स कर लो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी ठीक है जैसे मैंने आपको यह दे दिया हेलो और ये मैंने बोल दिया एक पॉइंट पी ठीक है ये पॉइंट पी और मैंने बोल दिया बच्चों ये पॉइंट पी है और मैंने बोल दिया इस पॉइंट पर आपको बताना है, तो तो या क्वेश्चन है 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 आपको डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन करना करना इस कर्व का एट पी। अब पी पे करना है, तो मैं टेंजेंट ड्रॉ और अगले ने यह एंगल सिक्सटी डिग्री दे दिया ठीक है अगले ने ये एंगल 60 डिग्री दे दिया मेरे बच्चे अगले ने दिया मैंने नहीं अगले ठीक है तो मैं बोल दू बच्चों अब मेरे को डिफरेंशिएशन करना है अब बताओ अब अगर मेरे पास इक्वेशन होती अगर कोई मेरे को एक्स स्क्वायर दे देता वाई बराबर एक्स स्क्वायर तो तो मैं फट से डिफ्रेंशिएशन कर देता किससे फॉर्मूले लगा के लेकिन अब फॉर्मूले अवेलेबल नहीं है तो बताओ सोल्यूशन तो कुछ नहीं एज वी नो एज वी नो एज वी नो क्या नो 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 डिफ्रेंशिएशन मतलब डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन मींस मींस स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व हेलो ऑन जैसे डीवाई बैडियस ऑन वाई एक्स कर ऑन वाई एक्स कर हेलो अगर डीवाई बैडियस निकालना तो वाई एक्स वाइए एट पी है ना ठीक है सर तो अब मेरे को स्लोप निकालनी है तो अगर कर्व से डिफरेंशिएशन करना है तो एक ही तरीका स्लोप किसकी टेंजेंट की किस पे उस पॉइंट पर तो यहां पे स्लोप यी तो मैं बोल दू दिस इज सॉरी टेंजेंट स्ट्रेट लाइन टेंजेंट दिस इज दिस इज टेंड दिस इज टी ठीक है अब इसकी स्लोप तो बोलो कितना तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मैं बोलता तो हेलो क्योंकि स्लोप क्या होती है टेन थीटा स्लोप क्या होता है टेन थीटा ये थीटा क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल थीटा क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल ठीक है सर तो टेन सिक्सटी और टेन सिक्सटी कितना आ जाएगा बच्चों रूट थ्री हेलो रूट थ्री तो टेन सिक्सटी कितना जाएगा, रूट थ्री तो आंसर कितना जाएगा, रूट थ्री तो इसका आंसर आ गया रूट थ्री डी बाई आ गई रूट थ्री खत्म <laughs> सर आनंद आ गया तो अपने को डिफरेंशिएशन अलग स्टाइल से करना पड़ रहा है तो ग्राफ से तो मैं टेन थीटा निकाल लूंगा ठीक है इसमें बच्चों और भी है अगर मैं ऑप्टी एंगल दे दू एंगल नाइनटी से बढ़ा दे दू तो टेंट निकल जाएगी लेकिन उस समय नेगेटिव आंसर आएगा अब वो कितना आएगा वो मैं अभी आपको आगे ग्राफ पढ़ाऊंगा तब करूंगा ठीक है हमारे को डिफ्रेंशिएशन का बेसिक सीखना है ऐसा नहीं हो ज्यादा के चक्कर में उलझ जाओ आप ठीक है सर अच्छा एक आधा क्वेश्चन और ना सर बढ़िया मजा आ रहा है क्योंकि अब ये नई चीज सीखी हमने चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ना उसके बाद फिर एक और करेंगे फिजिक्स वाला एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सेवन एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सेवन देखो अपने को ये करना है कि जैसे ये कोई कार तो वापस तो और इसके कोर्डिनेट बच्चों थ्री कोमा फोर ठीक है सर इसके कोऑर्डिनेट कितने थ्री कोमा फोर थ्री कोमा फोर ये पी पॉइंट है थ्री कोमा फोर ठीक है अब अपने को निकालना डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी डी वाई बाई डी एक्स एट एट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट एट एक्स इक्वल टू थ्री अब उस्ताद एट पी लिखने की बजाय एट एक्स इक्वल टू थ्री इस थ्री पॉइंट पर जो एक्स बराबर थ्री है वहां पर अपने को डीवा निकालना है ओके ठीक है सर अब डीवा डीवास निकालना तो मैं बोल दू तो स्लोप निकालनी है और अगले ने क्या करा ये दिया हुआ है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो पास होती है यहां से माइनस वन कोमा जीरो से तो ये टेंजेंट है है ना तो जो टेंजेंट पी पॉइंट की जो टेंजेंट है कर्व पे वो कहां से पास होती है माइनस वन कोमा जीरो से ठीक है सर तो अब देखो कितना घुमाया कितने उस्ताद है पहले मैंने ये एंगल दिया था अब बड़ा होशियार है एंगल नहीं दिया कोई बात नहीं सर आ जाओ सोल्यूशन बोल तो दो डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम कर्व फ्रॉम कर्व मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस स्लोप ऑफ कर्व हेलो स्लोप ऑफ कर्व ठीक है सर कर्व स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व स्लोप टेंजेंट ऑन कर्व

और ये ये है लेकिन अवेलेबल नहीं, नहीं।, तो नहीं हो टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी एक तरीका है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी एक तरीका है तो टेन थीटा अवेलेबल नहीं होगा तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लूंगा आ जाओ आओ करें तो आ जाओ अच्छा यहां परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लिए मैं ट्राइंगल कंप्लीट कर लूं तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रो करा या कोई मेरा बच्चा मेरे को बताएगा इसकी लेंथ कितनी होगी हाइट कितनी होगी है सर बिल्कुल बता देंगे नहीं आ रहे हैं आपको जीरो थ्री कोमा जीरो बेटा एक्स पे लगा तो आगे तीन ए पी पॉइंट के लिए आगे तीन और ऊपर चार चले हो आप आगे तीन ऊपर चार तो दिस इज फोर एंड दिस इज थ्री तो क्या मैं बोल दू ये लेंथ कितनी होगी बच्चों

आ जाओ कितना जाएगा ये? तो परपेंडिकुलर और बेस भी फोर तो यहां से मैं बोल बच्चो, थीटा फोर तो कटा वन आ गया तो बच्चों डीवाई बाई डीएक्स वन आ रहा है।, है कहां पर पी पॉइंट पर, पर एक्स थ्री है ठीक है सर तो मैं बोल दू फाइनलीस इज तो डीवाई बाई निकाल चुके हैं हम डिफरेंशिएशन एट पी इज इक्वल टू वन सर आनंदम भव मज़ा आ गया सर तो अभी तक इससे पहले तक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले तक हम डिफरेंशिएशन इक्वेशनों से करते थे चाहे चेन रूल लगाते थे चाहे यू इंटू बी चेन रूल आपके कम काम आएगा लेकिन उसमें जो एक बात काम आएगी नीट 2009 और 10 का क्वेश्चन वो तो मैंने याद ही कर लिया कि अगर बी कॉन्स्टेंट और एरिया वेरी कर रहा हो और रिंग की रेडियस वेरी कर रही हो तो आ, बी इंटू पाईआर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएगा तो टू पाईआर डी आर बाई डी टी इन टू बी नोट आएगा टू पाईआर बी नोट डी आर बाई डी टी ठीक है सर तो मेरा एम तो बस वही चीज बतानी थी तो सर ये तो बहुत मजा आ गया अब सर इसको थोड़ा सा कोई अका क्वेश्चन करा के बताओ ना भाई ऐसी चीजें भी हमारे काम आती क्या बता देता हूं ये ले नाइन्थ क्लास से उठाते बात को एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी एट इफ वी वर्सेस टी कर्व या चलो एस वर्सेस टी कर्व और ए मोशन फॉर ए मोशन ऑफ पार्टिकल फॉर ए मोशन ऑफ पार्टिकल और ए मोशन ऑफ पार्टिकल इज शोन इन ग्राफ इज शोन देन शोन इन ग्राफ देन है ना देन अब चार ऑप्शन दिए मैं है ना यहां चार ऑप्शन दूंगा अभी मैं ठीक है पर पहले ग्राफ बता देता हूं है ना और यहां लिख देता हूं वेयर वेयर वी इक्वल टू वेलोसिटी Velocity equal to क्योंकि मैं ये मान रहा हूं तो मैंने कुछ भी नहीं पता फिजिक्स का वेलोसिटी सिर्फ बेसिक मैथ ही पढ़ रहे हो पुराना मैं मान ही नहीं रहा जिसको आता है, बहुत अच्छी बात है नहीं आता ठीक है बच्चे हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी जस्ट नए आए कई बच्चे हैं जो पहले नीट एक बार दो बार दे चुके हैं तो उनको आइडिया है तो आप बेटा थोड़ा सा क्या है पेशेंस रखें ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश ना करें क्योंकि जब आगे पढ़ाया जाएगा ना बेटा तो जब ये ऐसी चीज आएगी अब ये चीजें पता थी क्या तो बेटा आएगी तो बेसिक में ही अब अगर बेसिक छोड़ के आगे बढ़ जाते तो आपको ये पता ही नहीं पड़ता और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा आप ज्ञानी हो मैं आपसे पढ़ूंगा ठीक है तो समझो बात को बेटा आप ऐसी चीज देखो जी और जीने दो एक एक नारा होता है जी और जीने दो आप खुद बेटा आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है आप टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स पकड़ के देख ले मुझे कोई मतलब नहीं है या स्किप कर दे उसको आगे बढ़ जाए लेकिन मेरा एम है जिनको नहीं आता उनको सिखाना ताकि उनको भी आगे तकलीफ नहीं आए और रही बात तुम्हारे को लग रहा है ना आता आता बेटा आगे कई चीजें नहीं नहीं आपको इनमें भी देखने को मिलेगी जो आपको नहीं पता थी मिले ठीक नहीं मिले तो आगे बढ़ जाना बेटा ठीक है वेलोसिटी वेलोसिटी इज इज गिवन गिवन बाय बाय है ना अब यह बात आप वनडी पढ़ोगे जब आपको पता है डी एस बाई डी टी ठीक है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है तो अब कर्व क्या दिया था सर आप कह रहे थे ना ये कर्व ये रहा कर्व ये सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे आपको पता पड़ जाएगा फिजिक्स में डिफरेंशिएशन की कितनी इंपॉर्टेंस है मैंने कहा था ना दो आई होती है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिजिक्स को देखने के लिए दो आंखों की जरूरत होती है मेन जो दो आंखें वो वो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशियन क्यों क्योंकि उसके अलावा फिजिक्स आगे बढ़ ही नहीं पाती हर जगह आएंगे ये ठीक है सर वैसे तो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है ठीक है अब देन अब ऑप्शन दिए मैं ए सुनना ध्यान से वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इज

ए आई कांड से नहीं वी कांड से आई कांड से अगर ऑप्शन आने लग गए तो सारे के आंसर दे दो सर आई से ना आई कांड से हाँ देख तो बच्चों एस वर्सेस टी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और वेलोसिटी के मतलब चारों ऑप्शन जो है वो वेलोसिटी की बातें कर रहा है कहीं ना कहीं ठीक है ना ये वेलोसिटी ठीक है और वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है क्या डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और क्या मैं बोलता दूं डिफरेंशिएशन कर्व से करना क्योंकि हमारे को अवेलेबल कर्व है हेलो कर्व अवेलेबल है और कर्व से डिफरेंशिएशन कैसे होता है बच्चों टेंजेंट की स्लोप बताया था तो आपको अगर s वर्सेस t कर से वेलोसिटी देखनी है s वर्सेस t कर से वेलोसिटी देखनी है तो टेंजेंट की स्लोप तो मैं बोल दूं तो बच्चों v बराबर ds dt मुझे देखनी वेलोसिटी है आई वांट दिस हेलो आई वांट दिस एंड दिस इज दीज आर वैल्यू दीज वैल्यूज आर गिवन या इनका कर्व दिया हुआ है तो बोल दू स्लोप कर्व से स्लोप डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप किसकी टेंजेंट की कहां की जहां पर वेलोसिटी देखनी है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट टेंजेंट एट विच एट विच यू वांट वी यू वांट वी यू वांट वी जिस जगह का आप वेलोसिटी चाहते हो वहां की टेंजेंट जिस जगह की आप वेलोसिटी चाहते हो वहां की टेंजेंट ठीक है सर

अरे मूर्खानंद स्वामी ये तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है तू कर्व को देख के तुम क्या करते हो कर्व को देख के जो दिख रहा है वो बोलने में रहते हो कि सर पहले बढ़ा फिर कॉन्सटेंट बेटा वो तो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी थोड़ी वो तो डिस्प्लेसमेंट है देखो पहले बढ़ा फिर कॉन्स्टेंट वो तो डिस्प्लेसमेंट है तेरे से ये चार ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट के थोड़ी है बच्चा टिक करके आ गया ये फर्स्ट इंक्रीज देन बिकम कॉन्स्टेंट अरे मेरे लाल फर्स्ट इंक्रीज और देन बिकम कॉन्स्टेंट ये तो डिस्प्लेसमेंट है मेरे बच्चे ये तो क्या है डिस्प्लेसमेंट क्या है यह डिसमेंट मेरे से क्या पूछा जा रहा है वेलोसिटी तो बेटा ऐसी गलतियां ना करे करो में बच्चा कुछ भी मर्जी होती जो अनाप शनाप जो दिख रहा है वो बोल देता है तो सर फिर क्या करे तो देखो आपको वेलोसिटी निकालनी है तो क्या मैं बोल दू बच्चों वेलोसिटी वेलोसिटी टेंजेंट की स्लोप होगी किसकी इस कर्व की तो ड्रो करो टेंजेंट तो मैं अलग अलग कलर से कर रहा हूं तो सबसे पहले कर रहा हूं येलो कलर से तो ए पॉइंट की टेंजेंट आ गई एंड दिस एंगल इज वेरी बड़ा ए ए कर देते हैं इसको दिस एंगल इज बड़ा बड़ा एंगल लगभग नब्बे डिग्री अस्सी पिछासी डिग्री अस्सी डिग्री के आसपास लग रहा है मेरे को दिस एंगल एंगल इज लगभग डिग्री अरे बेटा बहुत बड़ा एंगल है है ठीक सर अपन बी और सी पे भी एंगल ड्रॉ करेंगे तो पता पड़ेगा अब आ जाओ बी पे ड्रॉ कर रहा हूं तो बी फोर बॉय ये हरे कलर का बॉय बी फोर बॉय ठीक है इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी देखो एंगल छोटा हो गया ए मेरे बच्चे बी पे टेंजेंट देख थीटा बी ए पर एंगल बड़ा था ये देख हाथ देख ये ए पर एंगल एक्सिस से ए पर एंगल बड़ा था मतलब परपेंडिकुलर बड़ा था याद है मैंने बताया था स्लोप बड़ी का मतलब परपेंडिकुलर बड़ा मतलब आप ऊपर ज्यादा जाते थे यानी कि थोड़े से टाइम में आप भाई में भागते थे यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता था तो एंगल बड़ा मतलब टेन थीटा बड़ा एंगल बड़ा मतलब टेन थीटा बड़ा एंगल बड़ा मतलब टेन थीटा बड़ा क्योंकि टेन नाइनटी पे इन्फाइनाइट होता है तो टेन एटी पे इन्फाइनाइट से थोड़ा कम मतलब पचास सौ पांच सौ आएगा है सर। तो टेन थीटा बड़ा, थीटा, बड़ा तो थीटा बड़ा तो मैं बोल वेलोसिटी तगड़ी आएगी तो यहां की सेम टाइम में ऊपर कम जाने लग गए अरे सेम टाइम में आपकी ऊपर जाने की टेंडेंसी घट गई मैंने कहा था ना कि टेन थीटा छोटा यानी कि स्लोप छोटी कब होती है जब आप ऊपर जाने की टेंडेंसी कम कर देते हो और ऊपर मतलब वाई एस डिस्प्लेसमेंट तो मैं बोल दू पहले एंगल बड़ा था आप ऊपर ज्यादा भागते थे थोड़े टाइम में फिर अगले थोड़े टाइम में आप ऊपर भागना कम हो गए तो खुद देख ये, देख ये देख इधर ये देख येलो ये कलर का ट्राइंगल देख थोड़े से टाइम में आप देखो ऊपर कितना भागते थे ओ माई गॉड देख देख थोड़े से टाइम में ऊपर कितना भागते थे और ऊपर भागना डीएस हो गया और आगे चलना डीटी हो गया थोड़े से टाइम में आप देखो ना कितना ज़्यादा ज़्यादा ऊपर भागते थे तो और डिस्प्लेस होने मतलब थी जबरदस्त थी। तो भाग तो थो, थोड़े से टाइम में, 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 में कितना तो तेज भागता था मेरा बच्चा ठीक है सर तो शुरू में टेंट थीटा ज्यादा था मतलब आपका ऊपर भागना ज्यादा था यानी कि वेलोसिटी ज्यादा थी तो फील से भी कर लिया और डी वाई बाई डी एस वाई डी टी बराबर टेन थीटा ऑफ दिसन थीटा में theta बड़ा है, देखो थीटा ये बढ़ा है थीटा थीटा भी भी छोटा हो गया अब आ जाओ बी को समझाता समझाता हूं हूं इधर ये ग्रीन कलर से ही हूं, इस बार देखो इस बार भी आप देखो इतना ही टाइम ले रहा हूं जितना यहां लिया था उतना ही ले रहा हूं उतने ही टाइम में देखो ए, बेस एक जैसा बनाया देख उतना ही टाइम में इस बार आप देखो ऊपर कितना कम दे, गए ये देखो ना यहाँ ये, ये येलो लाइन कितनी बड़ी है देखो येलो लाइन ग्रीन लाइन को कंपेयर कर, कर देखिए येलो लाइन कितनी बड़ी है तो मैं बोल थीटा ये बड़ा ऊपर जाने की टेंडेंसी पहले ज्यादा थी अब कम हो गई देख कर्व झुक गया अरे इसी को तो बोलूंगा घट गई, गई। होने की गए, तो इसीलिए थीटा भी घट गया देख लो ठीक है सर ऐसे में और घट जाएगी और डी तक आते आते तो जीरो हो गई देखो सीधा डी पे जा रहा हूं मैं ठीक है सर चले जाओ तो यहां डी पे टेंजेंट ड्रो कर तो ये तो सीधी लाइन आ गई और ये पैरेलल हो गई दोनों देख तो मैं बोल दो ये टेन ये थीटा जीरो गया थीटा डी बराबर जीरो ही हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो गई तो एंगल जीरो हो गया ना बेटा और एंगल जीरो हो गया तो मैं बोल दू टेन ये टेन थीटा डी जीरो हो गया टेन थीटा डी जीरो टेन थीटा डी बराबर जीरो और टेन थीटा डी मतलब वेलोसिटी एट डी हेलो टेन थीटा मतलब 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 पर पर, और और ये ये हो 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 गई और ये, zero हो गई क्यों? क्योंकि zero हो गया। deep, deep तक आते आते दोनों लाइन पैरल हो गई यानी कि डिस्प्लेस होना बंद हो गया पार्टिकल सही बात है जैसे ये टेन मीटर है मान लो ये टेन मीटर है तो क्या मैं बोल दू आदमी टेन मीटर पर जाके रुक गया देखो ए, आगे गया अब टाइम के साथ टेन मीटर पर ही खड़ा है टाइम बढ़ता जा रहा है आप टेन मीटर पर ही खड़े हो डी तो पर वेलोसिटी जीरो गई आया फील आया डिफरेंशिएशन का ठीक है सर तो ए पॉइंट पर देखो तो मैं बोल दू ए यहां लिख रहा हूं मैं अकॉर्डिंग टू कर्व अकॉर्डिंग टू टेंजेंट टेंजेंट तो है ना मैं बोल दू थीटा ए सबसे बड़ा है उससे छोटा थीटा बी है।, है उससे छोटा थीटा सी है और सबसे छोटा थीटा डी है और यह तो जीरो ही हो गया हेलो ये लगभग अस्सी डिग्री है ये 60 सा, डिग्री के आसपास है ये तीस डिग्री के आसपास और ये जीरो हो गया मतलब मैं यूं ले रहा हूं तो ये अस्सी ये साठ ये तीस और ये जीरो मान लो तो मैं बोल और थीटा जितना बड़ा होता है ए मेरे को पता है देखो ए इधर देख टेन जीरो टेन तीस टेन पैतालीस टेंस ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा लेकिन मैं ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कम होती है इसलिए मैंने पहले चालू नहीं करी इंटरेस्टिंग तो मैं बना दूंगा तू चिंता ही मत कर ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना सुनी होगी ना देखी होगी लेकिन बच्चों पहले मैं वो बातें बताऊंगा जो मेरे बहुत ज्यादा काम आएगी फिजिक्स में क्योंकि बेटा कल होना हो सर कहीं आपके बारे में बात करो ए बेटा कल होना हो हाँ चला तो टेन जीरो जीरो टेन थर्टी वन बाई रूट थ्री ये मेरे बच्चे वन बाई रूट थ्री टेन फोर्टी फाइव वन टेन सिक्स थ्री और ये इनफाइनाइट तो देखो जैसे जैसे थीटा बढ़ता गया बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा तो मैं बोल दू वैल्यू भी बढ़ी वन बाई रूट थ्री फिर रूट थ्री फिर इनफाइनाइट जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे टेन थीटा बढ़ा तो क्या मैं बोल दू पहले थीटा बढ़ा था तो यहां टेन थीटा ए ये देखो टेन थीटा ए बड़ा होगा टेन थीटा बी से और ये बड़ा होगा टेन थीटा सी से

फिर वेलोसिटी बी पे है फिर वेलोसिटी सी पे है और सबसे कम वेलोसिटी डी पे है और वो जीरो है तो क्या मैं बोल दू वेलोसिटी लगातार घटी है क्योंकि हम ए से देखो ए पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी ऊपर जाने की टेंडेंसी ज्यादा थी बी पे कम हो गई सी पे कम हो गई डी पे तो वेलोसिटी लगातार घटी है तो कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग हेलो तो ग्राफ देख रहे हैं तो पहले ऐसा लग रहा बढ़ी और फिर कॉन्स्टेंट हो गई लेकिन बच्चों जब हमने समझा कि वेलोसिटी पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट नहीं तो पता पड़ा वेलोसिटी तो टेंजेंट की स्लोप होगी

एज फार एज इक्वेशन इज कंसर्न एंड एज फार इज ग्राफ इज कंसर्न तो डिफरेंसिएशन के दोनों में मीनिंग बता दिए इक्वेशन और ग्राफ में थोड़ा सा आपको चेन रूल भारी लगा होगा वो भारी नहीं है बेटा प्रैक्टिस ज्यादा मांगेगा क्योंकि आपने उसको ज्यादातर कभी यूज नहीं लिया मतलब इन जनरल यूज नहीं लिया आपने ठीक है बच्चों तो यहां तक बहुत है अगली क्लास में अपन बात करेंगे बच्चों एपीजीपी बाइनोमियल और इन सबकी है ना तो अगली क्लास में बात करेंगे ठीक है बच्चों बाय बाय ध्यान रखें अपना खुश रहें स्वस्थ रहें अच्छा हाँ आ, कुछ बच्चे कह रहे थे सर यार एक शायरी सुनाओ है ना आ, आप तो शायरी नहीं सुनाते हो सर यार को शायरी सुनाओ और हमने सुना है आप जहां पहले कोटा में क्लासूम में पढ़ाते थे, थे तो बहुत जबरदस्त जबरदस्त शायरी हमने आपके वीडियो भी देखे थे है ना थोड़ा बहुत यूट्यूब पर हमने वीडियो देखे तो शायरी सुनाओ तो कई बच्चों की अलग अलग तरीके की फरमाइश आती है तो बच्चों शायरी ठीक है थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होता रहना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा ऑनलाइन में बच्चा कनेक्टेड फील नहीं करता तो ठीक है मेरे को आपकी बात सही लगी तो मैंने कहा चलो आज तो सुना देते हैं एक बढ़िया शानदार शायरी सुनाता हूँ मतलब <coughs> खुद की सिचुएशन पे बेस्ड सुनाता हूँ थोड़े टाइम पहले की लौट जाती है दुनिया लौट जाती है दुनिया लौट जाती है दुनिया गम हमारे देखकर लौट जाती है दुनिया गम हमारे देखकर जैसे लौट जाती है लहरें किनारा देखकर लौट जाती है दुनिया गम हमारा देखकर जैसे लौट जाती है लहरें किनारा देखकर कर वापिस लोट जाती लौट जाती है दुनिया गम हमारा देखकर जैसे लौट जाती है लहरें किनारा देखकर तू कंधा ना देना मेरे जनाजे को तू कंधा ना देना मेरे जनाजे को कहीं फिर से जिंदा ना हो जाऊं तेरा सहारा देखकर ठीक है बच्चों कहीं फिर से जिंदा ना हो जाऊं तेरा सहारा देखकर बाय बाय